ओके आई एम लाइव. ओके सॉरी 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 सॉरी. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामों में. और जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था, और बड़ी खुशी होती है जब भी मैं अपना कोई वादा आपसे पूरा कर पाता हूं. शायद हर किसी को खुशी होती है कि जब भी आप कोई भी कमिटमेंट किसी से भी करेंगे और वो जब आप पूरा करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यू आर समथिंग, मतलब आप कुछ हैं, आपने कुछ अचीव किया. तो फिलहाल अप्रैल 2021 जो अभी मंथ गया, हम लोग उसके करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं. जो लोग डेली करंट अफेयर्स देखते हैं उनके लिए तो ये एक रिवीजन क्लास रहेगी, लेकिन बाय चांस अगर आपने पूरा अप्रैल का करंट अफेयर्स मिस कर रखा है और आप अप्रैल का करंट अफेयर्स करने वाले हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए पर्याप्त है. आपको डाउटफुल देखिए, एक चीज होती है, आप पैसे सुरक्षित रखते हो, लोहे के सिक्के, लोहे के क्या गिलेट के सिक्के होते हैं, किस में डालते हो? गुल्लक में डालते हैं हम लोग. तो कहा जाता है कि अगर विश्वास है तो कम, ये कमजोर चीज है या मजबूत चीज है ये नहीं देखा जाता. हमें ये लगता है कि हाँ गुल्लक में हमारे पैसे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन गुल्लक तो मिट्टी की होती है ना. तो विश्वास बनाए रखेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे, सकारात्मकता रखेंगे तो आप निश्चित तौर पर जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें अचीव करेंगे या जो भी आप पढ़ते हो उसका आपको फल मिलेगा. अगर आप शुरू में ही शंका की नज़र से रहोगे, शुरू में ही एक डाउटफुल नेचर के साथ रहोगे कि यार पता नहीं ये पढ़ेंगे तो उससे होगा क्या, होगा क्या नहीं होगा, पहले ही परिणाम के बारे में चिंता करने लगेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा. मेरी बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई काम करने जाएं तो पूरे मन से करें, डिवोट हो जाए पूरा पूरा एकदम, अपना जो जी जान तन मन धन जो लगा सकते हैं वो लगा दीजिए उस पर, और फिर मेहनत करिए, उसका परिणाम आपको हमेशा अच्छा मिलेगा. और आप परिणाम की चिंता पहले कर लेंगे फिर काम करने जाएंगे कि हे भगवान लाओ ये करें देखें होता है कि नहीं होता है, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है. तो आई थिंक मैं लाइव हूँ और आप सभी को सुनाई दे रहा हूँ, तो बिल्कुल शुरू करते हैं. आप सभी का वेलकम है जी. एक बार और वीडियो को शेयर कर देंगे, कर देंगे ना, नहीं करेंगे, ठीक है मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जिनका मन है वो कर दीजिए, अपने फेसबुक पे कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप पे कर दीजिए, अपने जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको बता दीजिए कि अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स होने जा रहा है. आप सभी से एक गुजारिश रहेगी कि करंट अफेयर्स को थोड़ा सा तेज़ लेके चलते हैं ताकि कम समय में हम ज़्यादा पढ़ पाएँ. और दूसरा पॉइंट ये है कि आप सभी अभी देख रहे हो वीडियो या आप बाद में देख रहे हो, चीज़ें अचीव करने की कोशिश करिएगा, चीज़ें गेन करने की कोशिश करिएगा, उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा. बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि हे भगवान ये याद नहीं हुआ, वो आपको सब याद हो जाएगा, आपको सब याद रहेगा, आप परेशान मत हो. ये मेरे साथ भी होता है, आप मेरे से ज़्यादा मेमोरी आपकी ख़राब नहीं होगी, मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है, मुझे कुछ याद नहीं होता. लेकिन फिर भी एक चीज़ को जब मैं पढ़ता हूँ तो उसको समझ लेता हूँ और फिर वो काफ़ी समय तक याद रहती है. तो आपको ज़रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हाय भगवान सर ने 200 क्वेश्चन करा दिए, ये 200 क्वेश्चन मुझे कैसे याद रहेंगे, सब याद होंगे यार. आपको बार बार उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं, आप बस एक बार पढ़ जाओ, एक बार रिकॉल कर लो, ऑप्शन जब आएगा तो वो क्लिक जरूर करेगा आपके पास. जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अभी हाल ही में किसको एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है. कुछ क्वेश्चन, कुछ ऑप्शन आपके सामने हैं जी, हाँ नोट्स करते रहिएगा. और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए, मतलब ये लगेगी आप भूल जाएंगे, उसको भले कहीं नोट कर लीजिएगा. बाकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगी, और रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उधर भी डाल देंगे हम, और एग्जामो चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है उधर भी आपको ये PDF मिल जाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको सिर्फ ABCD करना है, यानी ए आपको लग रहा है तो ए करिए, आपको लग रहा है बी करिए, आपको लग रहा है सी लग रहा है आपको डी करिए. चलिए तो एक एक करके करना, डिसलेक्सिया नहीं है यार. बहुत बढ़िया नवलेंद्र कुमार, बहुत हो गया, बहुत दिन हो गए, ऑप्शन आ गए हैं, आप करापटर से करना शुरू करो. देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एक ब्रिटेन की संस्था है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये एक बड़ी संस्था है जो मानवाधिकारों के लिए लड़ाई करती है. और वर्तमान समय में डॉक्टर एग्नेस कालामर्ड जो हैं वो इसकी हेड बनाई गई हैं. आप तस्वीर में देख सकते हैं, अगर आप तस्वीर देखना चाहें. भव्या लाल जो हैं ये एक्टिंग चीफ ऑफ नासा बनाई गई हैं. प्रीति सिन्हा को UNCDF यानी कि UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है. क्लेयर पोलोसॉक ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और पुरुषों के मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला है. तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एग्नेस कालामर्ड, जिन्होंने जमाल खशोगी, ये एक सऊदी अरब के पत्रकार हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी, उसकी जांच की थी इन्होंने उस समय ये चर्चा में आई थी. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जी जी जी, करिए करिए फटाफट करिए. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 11वां संस्करण कहां पर आयोजित अभी हाल ही में किया गया?
जो लोग लेट हैं उन सभी से गुजारिश है भैया वीडियो शेयर कर देना, आवाज़ आ रही है। तो संयुक्त अभ्यास जो होता है भारत और यूएस के बीच में, वो दो मेन है, एक युद्ध अभ्यास होता है वो राजस्थान में हुआ था, ये वज्र प्रहार है। ये आपका कहाँ पे हुआ, जहाँ पर हींग की खेती होती है, भारत में एक ही जगह हींग की खेती होती है, हिमाचल प्रदेश में। तो देन द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। 100% एलपीजी कवरेज पाने वाला भी जो राज्य है वो कौन सा है, वो आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल हमारे कानपुर में एक जनरल जब किसी को हड़काना होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं बकलोल हो क्या एकदम, मतलब ज़्यादा बकल बकल बकल, मतलब बिल्कुल उसको समझ ही नहीं आता क्या तुमको। तो वैसे हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, बकलोल नहीं है, बकलोह, बकलो एक जगह है जहां पर इसको आयोजित किया गया था वज्र प्रहार। कहां पर आयोजित किया गया था, भारत और अमेरिका के बीच में। एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा आता रहता है, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, ऐसा लगता नहीं है कि ये एक एक्सरसाइज है, ये एक सैन्य एक्सरसाइज है जो भारत और किस देश के बीच में होता है, आप कमेंट करके बताएंगे ना, आप होशियार आदमी है भाई, बताइए। बढ़िया बढ़िया। तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था 11वां संस्करण भारत और अमेरिका का संयुक्त वज्र प्रहार जी। पर्वत धारा स्कीम अभी आई है, हम बहुत सारी चीजें अभी आपको अगले के लिए बचा कर रखते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच होती है, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। मंगोलिया की राजधानी क्या है, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। बढ़िया राजधानी है ना, सुन के अच्छा लगता है ये नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कहीं याद ना हो तो नोट कर लीजिएगा। किस प्रसिद्ध मराठी लेखक ने पुस्तक सनातन 2018 के लिए सरस्वती सम्मान 2020 प्राप्त किया, ये 30वां सरस्वती सम्मान है जो उन्हें प्राप्त हुआ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इनका नाम है सरन कुमार लिंबाले, ये मराठी लेखक है, इनको अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान दिया गया। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, व्यास सम्मान भी इसी के द्वारा दिया जाता है। अंजलि भारद्वाज की बात करें तो इन्हें हाल ही में यूएस का, यूनाइटेड स्टेट का एंटी करप्शन अवार्ड दिया गया था, पहली भारतीय महिला है जिनको ये अवार्ड मिला है, अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन अवार्ड। मैगी ओ फॉरेल की एक पुस्तक अभी चर्चा में रही थी, हैमनेट, जिसे नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया था। हैमनेट जो है, हैमनेट शेक्सपियर के लड़के जो पुत्र है उनका, जो डेथ हो जाती है उस पर आधारित है। मनसा वाराणसी, फेमिना मिस इंडिया 2020 हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं, वाराणसी से, मतलब ये मत समझ लेना कि ये वाराणसी से बिलोंग करती हैं, और जो अब हमारा मिस वर्ल्ड होगा ना उसमें ये भारत की तरफ से जाएंगी। तो सरस्वती सम्मान किसको मिला, सरन कुमार लिंबाले को 2020 का सरस्वती सम्मान, इसमें 15 लाख रुपए मिलेंगे, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर लिंबाले सनातन 2018 इनका प्रकाशित हुआ था उसके लिए मिला। क्या आप बता सकते हैं कि पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला था, पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। पहला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। 1991 में ये शुरू हुआ था। ये कब शुरू हुआ था, 1991 में। ठीक है भाई, दर्शन तो हैं आपके सामने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जय महाकाल, पागल हो गया क्या। शरद पगारे को व्यास सम्मान अभी आगे आ जाएगा, इसलिए नहीं बताया, जो अभी ये नहीं बता रहा हूं तो मतलब वो आगे आ जाएगा, एक ही ऑप्शन को बार बार नहीं। WEF द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक भेद सूचकांक 2021 में भारत का रैंकिंग कितना आया, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में। थैंक यू सो मच हैकिंग जोन। ये WEF का आपको रैंकिंग बताना है, कौन सा आया, कितने नंबर पर आया, जेंडर गैप इंडेक्स। कुछ लोग 139 कर रहे हैं, कुछ लोग 140 कर रहे हैं, कंफ्यूज। राइट आंसर इज 140, राइट आंसर क्या है, 140। WEF द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब की गई थी, 1971 में, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और जेंडर गैप में जो स्थान आया है वो 140 आया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपने नाम सुने हैं, UN द्वारा प्रस्तावित है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यानी सतत विकास लक्ष्य है, जिसमें पांचवें नंबर पर आपकी भारत के मतलब पांचवें नंबर पर पुरुष और महिलाओं की बराबरी की बात की गई है, जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य नंबर 5 जो है वो जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है। अभी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना आया है, भारत का रैंकिंग 140 आया है, और भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश इस सूची में 65वें नंबर पर है, नेपाल 106वें नंबर पर है, और इस सूची में पहले नंबर पर कौन है, आइसलैंड है। इस सूची में पहले नंबर पर कौन है, आइसलैंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जी। कॉलोनी सिट,
नहीं भुखमरी वाला नहीं है भाई, जेंडर गैप है। संयुक्त सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रो सेना ये कहां आयोजित किया गया? हो गया, अभी आयोजित हो गया। क्लास स्वाब जी, ये आपका आयोजित हुआ है बांग्लादेश में। कहां पर आयोजित हुआ? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसमें भूटान श्रीलंका की सेनाएं भी भाग ले रही हैं। ऐसा माना गया है कि अमेरिका ब्रिटेन तुर्की सऊदी अरब कुवैत और सिंगापुर की अन्य सेना और पर्यवेक्षक भी यहां पर भाग ले रहे हैं। बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम के 50 साल पूरे होने पर किया जा रहा है। बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? शेख मुजिबुर रहमान को। जबकि 2019 का किसको दिया गया है? 2019 का दिया गया है काबूस बिन अल सैद ओमान के सुल्तान को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सो सैड सागर, कोई नहीं, आप परेशान मत होइए, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसे पढ़ते रहिए। हर किसी की परेशानियां हैं। हर साल उत्कल दिवस या उत्कल दिवास कब मनाया जाता है? उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस। उड़ीसा दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मनाए जाने का मेरा मकसद ये, मतलब 1 अप्रैल को ये मनाया जाता है उड़ीसा दिवस, क्योंकि इसी दिन उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ था। वर्तमान समय में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। याद रखिएगा, देश का पहला फायर पार्क कहां बनाया जा रहा है? आपके उड़ीसा में बनाया जा रहा है। इससे पहले इसका नाम उड़ीसा था, लेकिन 2011 में इसका नाम बदलकर, इसके लिए 113वां संविधान संशोधन किया गया था और उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। ओ की जगह ओ हो गया था, इसको याद रखिएगा। वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फटाफट करते हैं, थोड़ा तेज। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये 1969 में शुरू किए गए थे, और पहला पुरस्कार जो है वो देविका रानी को दिया गया था, देविका रानी अय्यर। इसके बाद 2017 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो विनोद खन्ना को दिया गया था, 2018 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था, और 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो अपने थलाइवा को दिया जाएगा, रजनीकांत जी को। किसको दिया जाएगा? रजनीकांत। ठीक है, ओके, रजनीकांत। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये 1969 में शुरू किया गया था और भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। ढूंढीराज गोविंद फाल्के की याद में इसको दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा इसको दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी है कि रजनीकांत को 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। 4 अप्रैल 2021 को, बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि इकोनॉमी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नहीं, बिल्कुल पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे भाई, कभी नहीं छोड़ेंगे। मुखमीत एस भाटिया, राइट आंसर इज मुखमीत एस भाटिया। अतीश चंद्र की बात की जाए तो इन्हें अभी हाल ही में मार्च में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर सौरभ गर्ग की बात की जाए तो आधार कार्ड के स्वामी वर्तमान समय में यही है। UIDAI के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सौरभ गर्ग है, मुखमीत एस भाटिया। और सुभाष कुमार अगली स्लाइड में आने वाले हैं तो इसलिए इनके बारे में, नाम के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो मुखमीत एस भाटिया को ESIC यानी कि एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का हेड बनाया गया, भाटिया को। बढ़िया। ONGC के CMD यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? फटाफट करिए, मुखमीत एस भाटिया आपके ESIC में चले गए, आतीश चंद्र FCI में चले गए, सौरभ गर्ग आपके UIDAI के CEO बन गए, है ना, तो बचे कौन? सुभाष कुमार। तो देन द राइट आंसर इज सुभाष कुमार जो है वो आपके ONGC के हेड बनाए गए हैं। इसके अलावा ONGC एक महारत्न कंपनी है, देश में 10 महारत्न कंपनियां हैं और उन 10ों के आपको जो डायरेक्टर हैं वो याद होने चाहिए। यहां पर मैंने वो लिख रखे हैं, भेल के हैं नलिन सिंगल, BPCL के हैं के पद्माकर, कोल इंडिया लिमिटेड के हैं प्रमोद अग्रवाल, गेल के हैं मनोज जैन, HPCL के हैं मुकेश कुमार सुरैना, IOCL के श्रीकांत माधव वैद, इनको याद रखिएगा क्योंकि ये अपॉइंटमेंट अभी हाल में हुआ। NTPC के गुरदीप सिंह, ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए। ONGC के सुभाष कुमार, ये 3 अपॉइंटमेंट अभी हाल के हैं, इनको जरूर याद रखिए। PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के श्रीकांत, सेल की हैं सोमा मंडल। 10 महारत्न हैं भारत में, 14 नवरत्न हैं और 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं।
आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कम से कम महारत्न में आती है, क्योंकि अभी रेलवे के जो एग्जाम हुए थे ना एनटीपीसी के, उसमें जाने कितने शिफ्ट में उन्होंने ये पूछा कि भेल नवरत्न है कि महारत्न है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये जो तस्वीर है ये सुभाष कुमार की है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा भारतीय रेलवे जोन पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है, यानी कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड हो गया। वैसे बोला जा रहा है कि 2030 तक हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे, यानी कि हर हाल में हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है रेलवे का वो शून्य हो जाएगा, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा रेलवे। और 2023 तक कोशिश है कि हमारा सभी जो जोन है वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल एक पूरा जोन जो है वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, और ये है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, राजस्थान से बात करेंगे। देखा जाए तो आपके जो रेलवे होता है उसमें आपके पास जो लोगो है रेलवे के लोगो में कुछ स्टार बने हुए, कितने स्टार बने हुए, 17। और वर्तमान समय में भारत में कितने जोन है रेलवे, 18 रेलवे जोन है, 17 पहले हुआ करते थे। साउथ सेंट्रल रेलवे अभी हाल ही में आ गया जिसकी वजह से 18वां जोन बना है। तो राजस्थान राज्य के कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड के पश्चिम में रेलवे पूरी तरह से क्या हो गया है, विद्युतीकृत हो गया। 3012 किलोमीटर का रेलवे लाइन पूरी तरह से विद्युतीकृत हो चुकी है। देश में पहली ट्रेन 1853 में, 1853 में मुंबई से थाने चली थी, आप सभी को पता है। उस समय शासन किस गवर्नर जनरल का था, उस समय किस गवर्नर जनरल का शासन था, उस समय किस गवर्नर जनरल का शासन था भारत में, उस समय आपका किस गवर्नर जनरल का शासन था 1853, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार विनोद कुमार, मजा आ गया। 31 मार्च नेपाल में संपन्न हुई साउथ एशियन रूसी चैंपियनशिप में अनिया मिथुन ने कौन सा पदक जीता है, डलहौजी का था। बहुत बढ़िया, गोल्ड मेडल जीता है। वुशु क्या होता है, एक मार्शल आर्ट है, चाइनीज मार्शल आर्ट है, जो मेरे पीछे तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये अनिया मिथुन है, ये केरल से बिलोंग करते हैं। और वर्तमान समय में भारत के जो वुशु कोच हैं वो है कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कुलदीप हांडू को क्या बनाया गया है, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू को बनाया गया। कुलदीप हांडू एक वुशु खिलाड़ी है। ठीक है, बिल्कुल। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, शेयर करते जाएं भाई, शेयर करते जाएं, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें प्यार से, बहुत बुरी हालात है यार। अभी जब मैं करंट अफेयर्स लेने आ रहा था तो मेरे पास अभी एक ऐसा मौका आया जब मुझे लगा कि मुझे आज करंट अफेयर्स नहीं लेना चाहिए, क्लास नहीं लेना चाहिए। मेरी मदर की नानी जो है वो मतलब मेरी मदर की मामी जो है एक्सपायर कर गई, जिन्हें मैं नानी बोलता था। बहुत बुरी हालत है यार, हर रोज कोई ना कोई। फिलहाल के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बता सकते हैं, बी मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन जो है ये टैफे से बिलोंग करती हैं, टैफे से। सुभाष कुमार के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, ये ONGC से बिलोंग करते हैं। आदिल जैनुल भाई जो हैं ये आपके एक क्वालिटी कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि क्षमता निर्माण आयोग है भारत में, उसके हेड हैं, क्षमता निर्माण आयोग के हेड हैं। कि जो आपके IAS ऑफिसर है ना वो कायदे के हों, उनका काम कायदे से रहे। और अर्जित पटेल जो है इनको अभी हाल ही में ब्रिटानिया जो है उसने अपना एक्स्ट्रा डायरेक्टर जनरल बना लिया है। किसने, ब्रिटानिया खाओ कुछ जान जाओ, ऐसा कुछ था ना। तो मल्लिका श्रीनिवासन जो है ये सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है, और पहली बार किसी निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये क्या करती है, मतलब जितने भी आपके PSUs हैं उसमें जो भी डायरेक्टर या प्रेसिडेंट बनेंगे, बड़ी पोस्ट जो होती है उसमें अपॉइंटमेंट के लिए यही कमेटी काम करती है। बिल्कुल कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा, थैंक यू सो मच। बढ़िया, शिकागो में होने वाली मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी, ये 16 साल तक पायलट रही हैं, और मैं हट जाता हूं ताकि आप इनकी तस्वीर देख गौर से देख सके, कहते कुछ खास तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। और ये है मिसेज इंडिया वर्ल्ड सेकेंड रनर अप, इनका नाम है विंग कमांडर श्रुति चौहान। ये मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रियंका चोपड़ा की अभी हाल ही में एक किताब आई है अनफिनिश्ड, इसलिए ये चर्चा में रही।
एस धामी कौन है? ये पहली फ्लाइंग कमांडेंट ऑफिसर है, भारत की पहली फ्लाइंग कमांडेंट ऑफिसर कौन है? एस धामी। शिवांगी सिंह चौहान है, ये पहली नौसेना पायलट है, पहली नौसेना पायलट यानी कि आपकी नेवी की पहली पायलट है शिवांगी सिंह, ये बिहार के मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? कलिंग रत्न पुरस्कार जो है वो गवर्नेंस की गवर्नेंस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये दिया गया है आपके विश्वभूषण हरिश्चंदन को। विश्वभूषण हरिश्चंदन जी कौन है आप बताइए? विश्वभूषण हरिश्चंदन कौन है? आंध्र प्रदेश के गवर्नर है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। देखिए शिवांगी जो है, शिवांगी सिंह इंडियन एयरफोर्स में भी है, और शिवांगी सिंह आपकी नौसेना में भी है। नौसेना की जो पहली महिला पायलट बनी है वो बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं, और जिन्होंने पहली बार राफेल उड़ाने की बात की शिवांगी सिंह, वो जो है वो आपकी कहाँ से हैं? वो आपकी बनारस से हैं, वो यूपी से हैं, वो एयरफोर्स की हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, विश्वभूषण हरिश्चंदन, इनको कौन सा पुरस्कार मिला? कलिंग पुरस्कार, अभी कलिंग रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है। पशुओं के लिए दुनिया का पहला कोविड 19 टीका किस देश ने पंजीकृत किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। रशिया ने। टीके का नाम क्या है? कार्निवैक कोव, कार्निवैक, कार्निवैक कोव, यह टीके का नाम है। और पशुओं के लिए पहला टीका जो है वो डेवलप रशिया ने किया नोवेल कोरोना वायरस के लिए। 2 अप्रैल 2021 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद से रिटायर हो गए, कौन रिटायर हुए इनमें से, चारों में से? आप सभी का वेलकम है जो पहली बार आए हैं, और आप सभी से जी, आप देखो बीच बीच में अगर क्वेश्चन पूछोगे तो मैं क्वेश्चन ही के जवाब देता चला जाऊंगा, तो ऐसा है कि आप क्वेश्चन मत पूछो। बीपी कानून को तस्वीर देखनी है, बीपी कानून को जो है वो मेरे पीछे नजर आ रहे हैं, बीपी कानून को जो है अभी हाल ही में रिटायर हो गए, और इनकी जगह नए आ भी गए, उनका नाम क्या है? टी रवि शंकर, टी रवि शंकर, उनका नाम क्या है? टी रवि शंकर। बाकी राजेश्वर राव अभी हैं, महेश कुमार जैन हैं, एमडी पात्रा अभी हैं, अभी हैं। एक गवर्नर होते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और 2 अप्रैल 2021 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद से रिटायर हो गए, उनकी जगह कौन आ गए हैं? टी रविशंकर आ गए उनकी जगह। 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? 100 मेगावाट, हम भी नया है सर, वेरी गुड, तुम तो नए हो, हम कौन कह रहे हैं, बढ़िया, थैंक यू सो मच। हैकिंग जोनी मजा आ रहा है आपको, नाम बताएं अपना, बता दूंगा टाइपिंग स्पीड कैसे तेज होगी, परेशान मत हो, लेकिन अभी पढ़ लो। ये बताओ, आंसर भी करते जाओ, सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया जा रहा है? रामगुंडम तेलंगाना में, 100 मेगावाट वाला। और जो नर्मदा नदी पर लग रहा है वो 600 मेगावाट का है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पूरी जानकारी है, और ये पूरी जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करता चला जा रहा हूँ। तो 600 मेगावाट वाला ये दुनिया भी बना नहीं है, ये स्थापित किया जाएगा, और ये बन गया है, इसका 1 मई से शुरू होने की उम्मीद थी। रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। किस अंतरिक्ष एजेंसी के परसिवरेंस रोवर से जुड़े इंजेनिटी इंजेनिटी हेलीकॉप्टर ने मंगल की सतह पर लैंड किया? अब तो यह 4 बार उड़ भी चुका है, तो आप सभी को पता है इंजेनिटी जो भेजा है वो नासा ने भेजा है, और इसको इंजेनिटी नाम देने वाली, इंजेन्यूटी नाम देने वाली कौन है? वो है वनिजा रूपाणी, ये नाम याद रखिएगा, वनिजा रूपाणी, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। ये एक भारतीय मूल की छात्रा है जिन्होंने इंजेनिटी इसको नाम दिया था। तो परसिवरेंस रोवर से यहाँ पर इंजेनिटी जो है वो मंगल की सतह पर है, और अब तक 4 बार उड़ान भर चुका है, अभी तो कल ही उसने ऑडियो भी जारी किया है नासा ने, भन्न भन्न मच्छर वाली आवाज आ रही है। नासा के हेड कौन है वर्तमान समय में? स्टीव जुरिक्स। इनकी स्पेलिंग में अक्सर भूल जाता हूं। और बिल नेल्सन जो है ये एक्टिंग हेड होंगे जो बाइडेन के प्रेसिडेंट की तरफ से, भव्या लाल जो है वो एक्टिंग चीफ ऑफ नासा है बाइडेन कैबिनेट की तरफ से। मियामी ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? महिलाओं का थोड़ा सा आगे लिख लीजिएगा, महिलाओं का किसने जीता? अच्छा मैं तस्वीर दिखाऊं तो पहचान जाओगे ये कौन है,
नहीं नहीं करना है नोट, कोई नोट करने की जरूरत नहीं, आप बस पढ़िए डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ होना। जी हाँ, ये एस्ले बार्टी हैं और ये कहाँ से हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, जिन्होंने मियामी ओपन जीता है और इन्होंने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट लगातार दूसरी बार अपने नाम किया है। इन्होंने बियांका आंद्रेस्कू को हराया था, बियांका आंद्रेस्कू को हराया था। इसके अलावा ये एक लिस्ट है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार का किसने जीता है, पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने, महिलाओं का नाओमी ओसाका ने, ये जरूर याद रखिए। फ्रेंच ओपन किसने जीता है, राफेल नडाल ने और इगा स्वेटेक ने। विंबलडन किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने, सिमोना हालेप ने। ये पिछले जो भी हुए हैं करंट में ना, डोमिनिक थियम और नाओमी ओसाका, याद रखिएगा। राफेल नडाल कहाँ से हैं, ये स्पेन से हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ से हैं, सर्बिया से। देश का नाम जरूर याद रखिए, कहीं भी पूछ सकता है, कई बार पूछा है। इगा स्वेटेक पोलैंड से हैं, सिमोना हालेप रोमानिया से, नोवाक जोकोविच हो गए, डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया से और नाओमी ओसाका जापान से, इनको जरूर याद रखिएगा। बहुत बढ़िया सौरभ सरकार, क्या बढ़िया लग रहा होगा यार, मैं टीवी पे आ रहा हूँ, अच्छा लगता है, मुझे फोटो भेजना यार, है ना। 4 अप्रैल 2021 को किस दिग्गज अभिनेत्री का अभी हाल ही में निधन हो गया, इनमें से एक दिग्गज अभिनेत्री है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। फिल्मों में आपने इनको कई बार अभिनय करते हुए देखा होगा। हाँ, रोमानिया का कैपिटल बुखारेस्ट, वेरी गुड। शशिकला, देखिए इनको देखा है आपने, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। चलिए, मनोहर पारिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, सरोज खान नहीं थी। नितिन गोखले, ये पुस्तक किसने लिखी है, नितिन गोखले ने। अभी मनोहर पारिकर जी के ऊपर कई सारी बुक आई हैं, जिसमें से ये जो आई है ना, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये पुस्तक किसने लिखी है, नितिन गोखले ने। इसके अलावा मनोहर पारिकर पर जो अभी हाल ही में बुक आई है, उनमें से एक थी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये सदगुरु पाटिल और माया भूषण नगवेनकर ने लिखी थी। माई लाइफ माई रूल्स, ये सोनिया गोलानी ने लिखी थी। इसके अलावा इनविंसिबल नाम की उनका एक संकलन प्रकाशित हुआ था, ये तरुण विजय ने लिखी है। ये किसने लिखी है, तरुण विजय ने लिखी है। मनोहर पारिकर गोवा के मुख्यमंत्री रहे और हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रहे। अभी हाल ही में चिनाब पर एक ब्रिज बनाया गया है, सस्पेंशन पुल बनाया गया, ये कंप्लीट हो गया, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा, 359 मीटर ऊंचा, ये एफिल टावर से भी लंबा है, फ्रांस के एफिल टावर से भी लंबा है। तो चिनाब ब्रिज जो है, ये किस राज्य में बनाया जा रहा है, चिनाब जिसे हमारे शास्त्रों में अश्किनी का नाम दिया गया है, किस नाम से बुलाया जाता है, अश्किनी। ये चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। बागलिहार, बागलिहार डैम और दुलहस्ती परियोजना, ये दो ऐसी परियोजनाएं हैं जो चिनाब नदी पर बनी हुई है। तो ये आपका कहां पर बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर में, ये कहां पर बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ध्यान रखिएगा भाई, चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में। अब पुल को देखना है, पुल देख लो आप, ये पुल है, ये सस्पेंशन ब्रिज है, मतलब इसमें नीचे से कोई पिलर नहीं आएगा, ऊपर से इसको केबल के सहारे टांगा जाता है। और ये ब्रिज जो है, ये बक्कल और कौरी के बीच भारतीय रेलवे स्टीलो कंक्रीट आर्क ब्रिज है, ये ध्यान रखिएगा, इसको बनाया रेलवे ने है ना, और पूरा होने पर ये 359 मीटर की ऊंचाई पर होगा, जिससे ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन जाएगा। इसकी हाइट एफिल टावर से कितनी ज्यादा है, 35 मीटर, ये ज्यादा है फ्रांस के एफिल टावर से। भारत में हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, भारत हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस, भारत में हर साल क्या मतलब, पूरे विश्व में स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 1950 में मनाया गया था, WHO ने 1948 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस के ऊपर मनाने की बात की थी और 1950 में ये लागू हुआ। इस बार इसकी जो थीम रही है वो नोट कर लेना कहीं कॉपी पर, बिल्डिंग ए फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, यानी कि हर किसी के लिए एक न्यायपूर्ण और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये है आपका अगला प्रश्न।
डॉक्टर चिंतन वैष्णव को रमानाथम रमनन की जगह नियुक्त किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन जो कि देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मिशन है। भव्यालाल जो हैं ये एक्टिंग चीफ ऑफ नासा हैं। राकेश शर्मा ये आपके NHA यानी कि नेशनल हेल्थ एजेंसी, किसको टीका लगेगा किसको टीका नहीं लगेगा, कब टीका लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ये सारी जानकारी के जो आपके हेड हैं वर्तमान समय में आपके RS शर्मा हैं। इससे पहले ये आपके ट्राई के हेड थे, है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकम्युनिकेशन में थे, अब ये यहाँ पर आ गए। तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव जो है वो अटल इनोवेशन मिशन के को नीति आयोग के तहत सरकार की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया, जो रामानाथन रमन से पदभार संभालेंगे। भारत में हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? नेशनल हेल्थ एजेंसी के हेड जरूर याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के हेड 5 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि इसी दिन पहला सिंधिया जहाज जो था वो समुद्र में गया था इंग्लैंड के लिए माल ढोने के लिए। तो उसकी याद में हर साल नेशनल मैरीटाइम डे हम लोग कब मनाते हैं, 5 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था, क्योंकि पहली बार 5 अप्रैल 1919 को ही सिंधिया स्टीम नेविगेशन का पहला स्टीम शिप, जिसे SS लॉयल्टी के नाम से जाना जाता था, ये मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उतरा था और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला समुद्री वाणिज्यिक जहाज था। कब उतरा था? 5 अप्रैल 1919 को। 5 अप्रैल 1964 को पहला मनाया गया था, इसलिए इस बार हमने 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया। कब? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को समुद्री दिवस मनाया, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया। एशियन ट्यूरिंग अवार्ड 2020 किसने जीता है? आप सभी शेयर नहीं कर रहे हैं और शायद लाइक नहीं किया है, आप सभी ने फटाफट से लाइक कर दीजिए। गिव मी वन सेकेंड। एशियन ट्यूरिंग अवार्ड, जिसे कंप्यूटिंग का नोबल भी कहते हैं, किसका नोबल कहते हैं? कंप्यूटिंग का नोबल भी कहते हैं। मैं आपके कमेंट, मेरे कमेंट चले गए थे, वेरी गुड, सी एंड डी दोनों करेक्ट हैं, बहुत बढ़िया, सी एंड डी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। कंप्यूटिंग का नोबल पुरस्कार भी जिसे कहा जाता है, इस बार अल्फ्रेड आओ जेफरी डेविड उलमैन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया। विश्वभूषण हरिचंदन को अभी हमने देख लिया कि कलिंग रत्न पुरस्कार दिया, किसने? हमारे रामनाथ कोविंद जी ने। सुमन चक्रवर्ती जो है इनको अभी हाल ही में जीडी बिरला साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जीडी बिरला साइंटिस्ट पुरस्कार से सुमन चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया था। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कंपाइलर बनाने के लिए, कंपाइलर एक ऐसी चीज होती है जो आपकी हार्ड, मतलब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो लॉरेंस गुस्मान प्रोफेसर एमिरेट्स ऑफ अल्फ्रेड बी हो और उनके सहयोगी जेफरी डेविड उलमैन को कंप्यूटिंग का नोबल, जिसे AM ट्यूरिंग अवार्ड भी कहा जाता है, ये दिया गया है। और AM ट्यूरिंग अवार्ड के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी है, ये मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स में बता रखा है, तो मैं थोड़ा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एबल प्राइज, जिसे गणित का नोबल कहा जाता है, वो आप ज़रूर याद रखिए। इस बार 2021 का जो गणित का नोबल दिया गया था वो लासो लोवा ऐसा नाम याद कर सकते हैं, और अभी विगडर्शन को दिया गया है। द एबल प्राइज नोन एज मैथमेटिक्स नोबल, इसको नोबल के रूप में जाना जाता है। जी बहुत बढ़िया, नहीं ये आज का नहीं है, ये पूरे अप्रैल का है। मियामी ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बढ़िया उलट फेर किया था, हर्बर्ट हर्कच ने ये अवार्ड जीता था मियामी ओपन का पुरुष एकल, जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता था? एस्ले बार्टी ने। पोलैंड के रहने वाले ह्यूबर्ट हर्कच ने मियामी ओपन के फाइनल में इटली के 19 वर्षीय जेनिक सिनर को हरा दिया था, और हर्कच ने अपने देश का पहला मास्टर्स 1000 चैंपियन बने हैं,
इस तरीके से ये अवार्ड जीते। तो ह्यूबर्ट हरकच पोलैंड के हैं, जिन्होंने मियामी ओपन इंटरनेशनल का खिताब जीता था, जिसको एस्ले बार्टी ने महिलाओं में जीता था। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाँ जी, प्रीत्जियर पुरस्कार जो है उस बार एनी लैक्टन एंड जीन फिलिप को दिया गया, हरकच। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर देंगे तो मजा आने लगेगा। अच्छा, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? देखिए, सबसे एक एक करके शुरू करते हैं। तो एनवी रमन्ना इज द राइट आंसर। एनवी का पूरा नाम है नूथापल्ली, नूथापल्ली आंध्र प्रदेश से आते हैं ये, नूथापल्ली वेंकटा रमन्ना, नूथापल्ली वेंकटा रमन्ना। ठीक है, तो ये आपके हो गए 48वें चीफ जस्टिस। शरद अरविंद बोबड़े जो है वो आपके 47वें चीफ जस्टिस हो गए। इससे पहले रंजन गोगोई थे, ये आपके 46वें हो गए, और दीपक मिश्रा इससे पहले थे तो वो 45वें हो गए, इसको याद रखिएगा। तो एनवी रमन्ना जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो शरद अरविंद बोबड़े की जगह इनको हाल ही में नियुक्त किया है। ठीक है, चलो। हाल ही में वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तस्वीर दिखा दो, उनकी पहचान जाएंगे। तस्वीर ये है, आप देख सकते हैं, हुन सेन। हुन सेन कौन है? ये गलत आंसर है। हुन सेन कंबोडिया के पीएम है, कंबोडिया के पीएम। थोंगलोम सिसोलिथ, उसके बगल में, कंबोडिया के बगल में आता है लाओस, ये लाओस के प्रेसिडेंट है। प्रयुत चान ओचा नीचे मिल जाएंगे आपको, थाईलैंड के पीएम। ये क्या है? थाईलैंड के पीएम है। तो बचे कौन? फाम मिन चिन। फाम मिन चिन जो है ये वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं। वियतनाम की राजधानी बता सकते हैं? हनोई। हना के आओ, हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। मुद्रा क्या चलती है? दोंग। वियतनाम की मुद्रा क्या है? दोंग। इनको याद रखिएगा, ठीक है। फाम मिन चिन, वियतनाम के नेशनल असेंबली ने 5 अप्रैल 2021 को फाम मिन चिन के नामांकन की पुष्टि की है। अब ये गुयेन जुआन फुक की जगह लेंगे। किन की जगह लेंगे? गुयेन जुआन फुक की जगह लेंगे। एक जैसी शकल है इनकी, पता कैसे चलेगा? ध्यान से देखो, सब पता चलेगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेटिंग कर ली है 2036 तक वो शासन पर बने रहेंगे, जबकि रशिया का कानून जो है वो उन्हें दूसरे कार्यकाल के बाद वापस राष्ट्रपति बनने का मतलब नहीं था वहाँ पे प्रावधान, तो उन्होंने चेंज कर दिया, पूरा संविधान ही बदल दिया, और अब वो 2036 तक, व्लादिमीर पुतिन जो है 2036 तक अब वो शासन में बने रहेंगे, वहाँ पे संविधान में बदलाव कर दिए गए। सर्बिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के 13 वर्षों बाद कोसोवो की 5वीं राज्य प्रमुख कौन बनी है? कोसोवो आज भी एक विवादित स्थल है। वैसे इसको अमेरिका, इजराइल वगैरह ने मान्यता दे दी है कि ये अलग कंट्री है, बट इसमें रसिया और सर्बिया का हमेशा से अधिकार रहा है। कोसोवो की पूरी आबादी जो है वो मात्र 13 लाख है, मात्र 13 लाख लोग हैं कोसोवो में, और राजधानी इसकी है प्रिस्टीना। मैसिडोनिया के ऊपर आपको ये नजर आएगा, बाल्कन एरिया में पड़ेगा। वहाँ पर जो राष्ट्रपति यानी कि प्रमुख बनी है वो है वोजोसा उस्मानी। वो कौन है? वोजोसा उस्मानी, ठीक है, वोजोसा उस्मानी। राजधानी याद रखिएगा, कोसोवो की राजधानी क्या है? प्रिस्टीना। प्रिस्टीना कोसोवो की राजधानी क्या है? प्रिस्टीना। मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया है। तो वह 2011 से 2016 तक राष्ट्रपति रही, और फिर उसके बाद वो दूसरी महिला भी बनेगी, वोजोसा उस्मानी। राजस्व सचिव के रूप में यानी कि रिवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया? राजस्व सचिव यानी कि आपका रिवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट से बताइए। वो है भाई तरुण बजाज। तरुण बजाज जो है आर्थिक मामलों के सचिव थे, इकोनॉमिक अफेयर के सचिव थे, उनको उठा करके वहां पर रिवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया गया है, और अजय सेठ जो हैं उनको इकोनॉमिक अफेयर में भेजा गया है। अजय सेठ जो हैं उनको इकोनॉमिक अफेयर में भेजा गया है। कोविड 19 के कारण किस देश ने आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग ना लेने का फैसला किया कि भैया हम नहीं जाएंगे, कोरोना बहुत है, हम ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे? जो आपके टोक्यो में होने वाले थे अभी अगस्त के दौरान, जुलाई अगस्त के दौरान, तो ये जो देश है जिसने मना किया है वो है नॉर्थ कोरिया। है दुनिया को तुमसे खतरा है और तुमको कोरोना से खतरा है, ये क्या? बिल्कुल है। आप देखिए, शंका करके मत पढ़िए, आप पढ़ते जाइए और पुराने पेपर उठा के देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स बैंक बैलेंस की सीमा
पेमेंट बैंक कौन से होते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं है, अभी हाल ही में कुछ ऐसे ऑनलाइन ऑपरेटर्स को ये सुविधा दी आरबीआई ने कि भैया आप अपना अपना पेमेंट बैंक बना लीजिए, तो सबने अपने पेमेंट बैंक बनाए, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक बहुत चर्चा में रहा। इसमें कोई भी कस्टमर 1 लाख रुपए से ज़्यादा एंड ऑफ द डे बैलेंस नहीं रख सकता था, यानी आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा इसमें नहीं रख सकते थे। तो इसकी सीमा बढ़ा दी गई है, 1 लाख से बढ़ाकर इसकी सीमा कितनी कर दी गई है, 2 लाख, यानी कि अब आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में कितने रुपए रख सकते हैं, 2 लाख रुपए रख सकते हैं। कितने रख सकते हैं, 2 लाख, ठीक है। आप देखिए, अगर मैं व्हाइट नहीं रखूंगा ना तो मेरा लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा और वो आपको ज़्यादा चुभेगा। आप अपना फोन का ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अभी अपना जो है ब्राइटनेस कम रखता हूँ। हाल ही में किस देश ने बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया, ये क्वेश्चन तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे ये बताओ कि बराक नदी कहां बहती है, बराक नदी कहां बहती है। पहले तो मुझे ये बताइए बराक नदी कहां बहती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा बराका पढ़िएगा, ये जो इसका सही नाम है वो है बराका परमाणु संयंत्र। ये किसने डेवलप किया है, यूएई ने डेवलप किया, ये किसने डेवलप किया है, यूएई ने। और जो बराक नदी है ये आपकी भारत में बहती है, भारत से बांग्लादेश की तरफ जाती है। कहाँ बहती है, भारत में, ये आपको उधर बहेगी मणिपुर मेघालय मिजोरम साइड पे, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों में, सब ईरान ईरान कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, इससे कंफ्यूज मत होना। मुकरू नदी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है, लगभग 900 किलोमीटर का एरिया ये ट्रेवल करती है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने बरबाक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू कर दिया है। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो है वो वर्तमान समय क्राउन प्रिंस है। अबू धाबी जो है वो आपकी राजधानी है, मुद्रा चलती है दिरहम। यूएई में कौन सी मुद्रा चलती है, दिरहम। और ये इन्होंने कहां पर डेवलप किया है, अल दफरा एयर फोर्स क्षेत्र है उनका, वहां पर डेवलप किया, ठीक है। पटियाला के किस गांव में अनोखी अपशिष्ट जल प्रबंधन विधि सिचुआल विधि को अपनाया गया, लाइक करते रहिएगा आप लोग, जो लोग आते जा रहे हैं, जो लोग जाते रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाई लाइक जरूर करते जाइएगा। भाई ये पटियाला के ढिंगी गांव में अपनाया गया है। इसमें क्या करेंगे, जो मलमूत्र से निकला हुआ जो जल होता है ना, अपशिष्ट जल, उसको छाना जाएगा और पीने योग्य बनाया जाएगा, और बोतलों में मिलेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहां से आया है। लेकिन ये बहुत बढ़िया विधि है और इसके लिए पंपिंग और स्टोरेज की एक व्यवस्था की जाती है, टैंक बनाए जाते हैं। तो पंजाब के पटियाला जिले में इसको अपनाया गया है, ढिंगी गांव में। अब कभी आपसे ये पूछा जा सकता है, मान लीजिए ये नहीं पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि सिचुआल मॉडल किससे संबंधित है। तो सिचुआल मॉडल जो है बलबीर सिंह सिचुआल द्वारा, संत बलबीर सिंह सिचुआल द्वारा डेवलप किया गया है। और ये मॉडल जो है अपशिष्ट जल प्रबंधन से, यानी कि जो आपका इस तरह का वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए है, ठीक है। हाँ जी, हाल ही में किस देश ने ताड़ के तेल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी कि भैया ताड़ का तेल बिल्कुल निर्यात नहीं किया जाएगा। तो ताड़ के तेल पे निर्यात पर पाबंदी लगाई है श्रीलंका ने, कह रहे थे कि भाई हमारा जो पर्यावरण है वो तुम लोग पूरा ताड़ के तेल से उखाड़े जा रहे हो। वहां पर देखा गया कि जितना भी वन है उसका लगभग 60% ताड़ के तेल द्वारा, ताड़ के पेड़ में कन्वर्ट हो गया, जैसे पर्यावरण जो जैव विविधता है वो खत्म हो रही है, इसलिए वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, इसके ऊपर बैन लगा दिया। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने क्या कर दिया कि पाम के तेल पर, या पाम ऑयल जिसे ताड़ का तेल भी कहते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। हाल ही में किसने यूएनडीपी के नए एसोसिएट प्रशासक के रूप में भूमिका संभाली, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के हेड के रूप में, प्रशासक के रूप में, एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जगह किसने संभाली है, तो इनका नाम है उषा राव मोनारी। ये जो है ये यूएनडीपी में आपकी अभी हाल ही में, इनको हमारे महासचिव जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। ये मोराद वहाबा का स्थान लेंगी, श्री मोराद वहाबा का स्थान लेंगी, ठीक है, सब वीर गलत है।
हाल ही में भारत की किस महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया? महिला कमेंटेटर का नाम था चंद्रा नायडू, इनका अभी हाल ही में क्या हो गया था, निधन हो गया था। सीके नायडू का नाम सुना है आपने? एक ट्रॉफी होती है बकायदा क्रिकेट में, एक ट्रॉफी खेली जाती है, सीके नायडू ट्रॉफी। सीके नायडू की बेटी है ये, चंद्रा नायडू, अब ये भी दुनिया में नहीं है। तो भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी? चंद्रा नायडू, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वो देश के पहले टेस्ट कप्तान, देश के पहले टेस्ट कप्तान थे, सीके नायडू की बेटी थी। सरकार ने सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? मैं थोड़ा सा इसलिए विराम लेता हूं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ सके और आपके दिमाग में बैठ सके। तो सरकार ने एस रमन, यानी कि शिवा सुब्रमण्यम रमन, शिवा सुब्रमण्यम रमन को अभी हाल ही में सिडबी के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। सिडबी की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को, 1990 में की गई थी, 1992 में इसने काम करना शुरू किया था। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? WBP पूरा लिखो, WBP PSC है क्या? WBPSC है तो फिर उसके लिए कम से कम एक साल का। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय पहली महिला नाविक बनी है नेत्रा कुमानन। कौन बनी है? नेत्रा कुमानन, ठीक है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में। WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में किस भारतीय को शामिल किया गया? जल्दी जल्दी करते जाइए। WWE हॉल ऑफ फेम यानी कि एक हॉल होगा, वहां पे कई सारे फेमस लोग लगाए गए, उनका नाम क्या है? जी हाँ, मिलेगा, PDF मिलेगा। दलीप सिंह राणा, नहीं पहचानते हो इनको? ऐसा हो नहीं सकता कि इनको जानते नहीं हो। ये है दलीप सिंह राणा, दलीप सिंह राणा। इनका नाम क्या है? द ग्रेट खली। अंडरटेकर को हरा दिया था तब से ये बवाल मच गया था कि ये आए थे। 7 फुट 1 इंच लंबे हैं ये, है ना, और इनको अभी हाल ही में द ग्रेट खली के नाम से मशहूर है। इनको अभी WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हाल ही में सबसे तेज एकल साइकिलिंग करतब के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने अर्जित किए? पानी है, सिंपल पानी है भाई। इनका नाम है भारत पुन्नू, आर्मी से आते हैं और मनाली से ले हाईवे के बीच में, मनाली से ले हाईवे जो है इन्होंने 35 घंटे 32 मिनट और 22 सेकंड में अचीव किया था। इसकी वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भारत पन्नू ने एकल साइकिलिंग के लिए। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज जो दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता में 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट को जोड़ता है, उसमें 14 दिन में इन्होंने इसको हासिल किया। तो सबसे कम समय में इसको हासिल किया है। इनका नाम है भारत पुन्नू, ये भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल है भरत पुन्नू, जिन्होंने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? PDF मिलेगा भाई, सूर्यांश पुरोहित जी परेशान ना हो, PDF मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मत देखें, आप करंट अफेयर देखें, ठीक है। तो ये जो है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार मिला है आशुतोष भारद्वाज को, गद्य लेखन के लिए पुरस्कार दिया जाता है और एक पुस्तक इन्होंने लिखी पितृवध, उसके लिए ये पुरस्कार इनको मिला है, पितृवध, पितृवध। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार किसको मिला है? पितृवध के लिए आशुतोष भारद्वाज को मिला। मैंने अभी 1-2 दिन पहले ये बताया अभी था कि आशुतोष भारद्वाज को कौन सा पुरस्कार मिला है, पितृवध के लिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शौर्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाती है? CRPF की स्थापना 27 जुलाई क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल के रूप में की गई थी, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी 27 जुलाई 1939। AP महेश्वरी इसके हेड थे, अभी हाल ही में कुलदीप सिंह को इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इनका मोटो है सेवा और निष्ठा, सेवा और निष्ठा CRPF का मोटो है।
स्थापना 27 जुलाई को हुई है, तो ये 9 अप्रैल को क्यों मनाते हैं अपना शौर्य दिवस? क्योंकि इसी दिन 1965 में पाकिस्तान की एक सेना की टुकड़ी को इन्होंने मार गिराया था। तो 56वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया क्योंकि इसी दिन 1965 में सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट में बड़े पैमाने पर आक्रमणकारी पाकिस्तानी सेना को हराकर इतिहास रच दिया था। इसमें 34 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और सीआरपीएफ के 6 जवान जो है वो शहादत को प्राप्त हुए थे। सीआरपीएफ के हेड कौन है वर्तमान समय में? कुलदीप सिंह, याद रखिएगा। भारतीय उच्चायोग द्वारा अभी हाल ही में कहां पर एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया गया है? संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया गया कहां पर? सीआईएसएफ के हेड जो है वो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम। लाइक करते रहिएगा भैया, सभी लोग प्यार जताते रहिए, क्योंकि प्यार ही है जो मुझे बार बार इस तरीके से बड़े बड़े क्लास लेने पर मजबूर करता है। ये लॉन्च किया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एक लड़का है सादत रहमान। क्यों फेमस हुआ ये लड़का अभी? सादत रहमान का नाम आपने क्यों सुना? अभी बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया। एनवी रमन्ना आपके 48 चीफ जस्टिस हैं, 48वें चीफ जस्टिस हैं, शरद अरविंद बोबड़े की जगह आए हैं। सादत रहमान को इस बार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया था। इंदिरा गांधी कह रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया गया है जिससे संस्कृत लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा बांग्लादेश में। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर? 12 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन 1961 यानी कि 12 अप्रैल 1961 को मानव ने अंतरिक्ष में कदम रखना था यूरी गागरिन के रूप में। यूरी गागरिन जो है ये विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, रशियन कॉस्मोनॉट, और इसी वजह से हर साल 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को अभी हाल ही में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है, जो एक फ्रेंच सम्मान है, फ्रांस के सम्मान से सम्मानित किया गया? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है गुनीत मोंगा। मसान पिक्चर देखी? मसान मूवी विकी कौशल की है और ऋचा चड्ढा की मूवी है, देखी होगी आपने। शरद पगारे और इनके बारे में हम लोग अभी बात चर्चा कर लेंगे क्योंकि वो मिल ही जाएगा। बिल्कुल लगा लीजिए भाई, वैक्सीन लगा लीजिए। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स लेटर्स के सम्मान से सम्मानित किया गया। यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिकी फ्रांसीसी सम्मान है। इससे पहले यह शाहरुख खान को, ऐश्वर्य राय बच्चन को, अमिताभ बच्चन को, नंदिता दास, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, अनुराग कश्यप और कल्कि कोचिन को भी ये मिल चुका है। शरद पगारे को व्यास सम्मान। किस देश ने नौरा अलमतरूसी के रूप में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने हिजाब पहना हुआ है, ये यूएई से है। यूएई ने नौरा अल मतरूसी को नासा भेजने का प्लान बनाया। जाइए वहां पर आप एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग लीजिए और फिर हम लोग जब लॉन्च करेंगे मिशन तो आप हमारे यहाँ काम करिएगा। तो नौरा अल मतरूसी और मोहम्मद अल मुल्ला के बारे में वैसे कोई ज़्यादा जानकारी उन्होंने शेयर नहीं की है, लेकिन इन दो अंतरिक्ष यात्रियों को पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है। धर्मार्थ योगदान के लिए निम्न में से किसे अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? अबू धाबी यूएई की राजधानी है। यूएई में काफी सारे इन्होंने वो चला रखे हैं, धर्मार्थ यानी कि चैरिटेबल प्रोग्राम चला रखे हैं। इनका नाम है यूसुफ अली एमए। यूसुफ अली को ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा ग्रीन वीजा कार्ड पाने वाले पहले भारतीय भी यूसुफ अली है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारतीय मूल के एम ए यूसुफ अली को 11 अन्य व्यक्तियों के समुदाय में उनके महान और धर्मार्थ योगदान के लिए अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है सुशील चंद्र। किसकी जगह लिए? सुनील अरोड़ा जी की जगह लिए। ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके।
सुभाष कुमार हमने अभी देख ही लिया, इनको ONGC भेजा गया। मुखमीत एस भाटिया को ESIC यानी कि इकोनॉमिक एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का हेड बनाया गया, ठीक है। तो सुशील चंद्र जो है वो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त तो बन गए। नोमैड लैंड ने 11 अप्रैल 2021 को बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ चित्र यानी कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के अवार्ड के साथ साथ और कितने पुरस्कार जीते हैं, तो 4 पुरस्कार जो हैं वो उन्होंने वहां पर जीते हैं। और इस बार बाफ्टा और ऑस्कर ऑलमोस्ट सिमिलर रहे, लेकिन बाफ्टा में एक फिल्म, एक ये आपने देखी होगी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी, आदर्श गौरव की है ये, इसका नाम था व्हाइट टाइगर, ये आप देख लो, वापस से देख लो व्हाइट टाइगर। ये देखो प्रियंका चोपड़ा की थी, इसमें राजकुमार राव था, ये है जो ये इनको यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर के लिए, लेकिन कोई बात नहीं ये फिलहाल हार गए। लेकिन कंप्लीट लिस्ट जो है बेस्ट फिल्म नोमैड लैंड, बेस्ट एक्टर सर एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए बेस्ट फिल्म नोमैड लैंड, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रैंकिस मैकडोरमैंड, फ्रैंकिस मैकडोरमैंड की तस्वीर आपके सामने है, इनको नोमैड लैंड के लिए दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड गया है वो छोल खाओ को गया है, कोल झाओ, जिसे मैं छोले खाओ कहता हूँ, कोल झाओ, ठीक है। व्हाइट टाइगर है, अरविंद अडिगा ने लिखी थी, बिल्कुल सही बात है। तो 4 पुरस्कार इसको मिले हैं वहां पर। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा अभी किस देश के पश्चिमी तट से टकराया है? सेरोजा जो है किस देश के पश्चिमी तट से टकराया है? सलोनी आप ऐसा इमोजी क्यों बना रहे हो भाई, बताओ। ये कहां से टकराया था? ऑस्ट्रेलिया से टकराया है। किससे टकराया? ऑस्ट्रेलिया से। देन द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। होंगे ऑलमोस्ट 150 के आसपास। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? लेकिन एक घंटे के अंदर अभी कंप्लीट हो जाएगा ये, 102वीं, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था ना, तो इस बार जो जयंती मनाई गई 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड की, जयंती कह रहा हूँ सॉरी, वर्षगांठ मनाई गई, वो 102वीं वर्षगांठ थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन, याद रखिएगा, बस एक घंटे और लगेगा। हाल ही में सर रिचर्ड हैडली पदक से किसे सम्मानित किया गया? न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा ये पदक दिया जाता है, और ये मिला है केन विलियमसन को, और अभी हाल ही में टेस्ट रैंकिंग जो आई है उसमें भी केन विलियमसन ने टॉप कर रखा है। एक यहां पर ये इसको याद करो, रणजीत सिंह डिसाले का नाम आपने सुना है? रणजीत सिंह डिसाले का नाम आपने सुना है? हाँ, जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, अब पटक के माना था, खींच के दे तमाचा मारना चाहिए था। यार 500 लाइक हो गए हैं, और ये वीडियो मैं तब तक बंद नहीं करूंगा जब तक 1000 लाइक नहीं हो जाते। शेयर करते रहिए धुआंधार तरीके से। रणजीत सिंह डिसाले जो हैं उनको ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया। उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्लोबल टीचर अवार्ड, ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था, महाराष्ट्र से हैं। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ये जरूर पता होना चाहिए। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी के होते हुए इसको फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया, ये अपने आप में बड़ी बात है। कोनेरू हम्पी को ISWOTY इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर BBC द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? तो वह है सिद्धार्थ सिंह लॉन्ग जंप। ये क्या होने लगा भाई, एक सेकेंड। बस एक घंटे में फोन ऑफ होने लगा। सिद्धार्थ सिंह लॉन्ग जंप, क्या नाम है इनका? सिद्धार्थ सिंह लॉन्ग जंप। आई थिंक मुझे ये डिलीट ही मारना पड़ेगा, दूसरी फाइल खुल गई है, एक सेकेंड मेरे को देना।
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है सिद्धार्थ लॉन्ग जंप। सुशील चंद्र आपने देख लिया, चुनाव आयुक्त हो गए। पूनम गुप्ता जो है ये NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की हेड बनाई गई है। एस रमन के बारे में बात करें तो इनको सिडबी का हेड बनाया गया, इनको कहां भेजा गया? सिडबी। ये किसका स्थान लेंगे? ये आपके नाडा में महानिदेशक के तौर पर नियुक्त हुए हैं। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान समय में कौन है? सुनील शेट्टी। लॉन्ग जंप मतलब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च किसको दिया गया था? उसका क्या जरूरत है तुमको? भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था फरवरी में, ईशांत शर्मा को दिया गया था, उससे पहले किसको दिया था? ऋषभ पंत को दिया था। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू की गई थी, वर्ष 2000 में, फिर 2015 में भी इसका कोई नया संस्करण आया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है इस योजना के इंप्लीमेंटेशन में? जम्मू कश्मीर के किस जिले ने? जनवरी का ऋषभ पंत था, सेकंड में आपका वो था, तो यह है उधमपुर। उधमपुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बढ़िया सड़कों का निर्माण किया और लगभग 560.49 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया। धात तेरी तो। आईसीसी की ओडीआई बल्लेबाजों रैंकिंग में नंबर वन पर कौन पहुंच गया? पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम। ये वाकई में बहुत अच्छे खेलते हैं क्या आप लोग बताओ? बाबर आजम जो है वो टॉप रैंक ओडीआई बैट्समैन है। विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया इसने। विराट कोहली लगभग 3.5 साल से शीर्ष पर था। हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? इक्वाडोर के राष्ट्रपति पकड़ते हम लोग मार्सेलो रबेलो डिसूजा, पुर्तगाल के, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, सादिर जापरो आई थिंक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, खंजर हुआ था वहां पे। मैया सुंडू मोल्दोवा की राजधानी चिसिनाओ। तो बचे यही गुइलर्मो लस्सो, ये एक बैंकर हैं और अभी हाल ही में इन्होंने यहां पे इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। इक्वाडोर की राजधानी की बात कर लीजिए तो इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, प्रेसिडेंट लेनिन मोरेनो। अभी हाल ही में एक प्रश्न SSC CHSL ने पूछा कि दक्षिण अमेरिका के कौन से ऐसे दो देश हैं जो लैंडलॉक है, कंप्लीटली लैंडलॉक है? तो एक है पैराग्वे और एक है बोलिविया। ये ध्यान रखिएगा, दो ही देश ऐसे हैं दक्षिण अमेरिका में जो लैंडलॉक है, बाकी सभी देशों के किनारे आपको समुद्र तट देखने को मिलेगा। विजडन मैगजीन ने पिछले दशक 2010 का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी किसे चुना है? आज क्लास भाई 6 बजे स्टार्ट हुआ था, 1 घंटे हो गया। बोलिया में टिटिकाका लेक, वेरी गुड। तो ये है विराट कोहली। विराट कोहली को आईसीसी ने पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी चुना है, जबकि बेन स्टोक को तो एलएनडी बॉर्डर पुरस्कार मिला था, बैलेंडी ऑर्डर। और यहां पर बेन स्टोक्स को लगातार, इंग्लैंड के हरफल मौला खिलाड़ी बेन स्टोक लगातार क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया, जबकि विराट कोहली को 2010 के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में चुना है। EIU द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, इंटरनेट सूचकांक, इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? अप्रैल भर का करंट अफेयर्स है मात्र, बस
ये 49 नंबर पर है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में। भारत की रैंकिंग जो आई है वो 49 नंबर पर आई है, यानी कि 49 नंबर पर हम लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। पहले नंबर पर स्वीडन है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट है। भारत को कौन सी रैंकिंग पर रखा गया है? 49वें स्थान पर रखा गया है। किसने जारी की है? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी की। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? दोनों ये एक जैसे लगते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? वैदिक संपदा इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? ध्यान रखिएगा 121, नहीं 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 40 40, और यूएस जो है वो इसमें टॉप पर है। 121 तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में है, 121 तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में है। 121 किस में? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, तो 121 40 है। हाल ही में अल्माटी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अल्माटी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? सरिता मोर ने, सीमा बिस्ला और पूजा ने वहां पर कांस्य पदक जीता। तो सरिता मोर ने अल्माटी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा सीमा और पूजा ने दो कांस्य पदक भी जीते थे। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन के संस्थापक फ्रांसिस बर्नेल का जन्मदिन है, और इस बार इसकी थीम रही है एडाप्टिंग टू चैलेंज सस्टेनिंग केयर इन न्यू वर्ल्ड। 17 अप्रैल 2021, ये इसका 30वां संस्करण है। एडाप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन ए न्यू वर्ल्ड, ये इसकी थीम है। फ्रैंक स्नेबल की जन्मदिन के याद में इसको मनाया जाता है, 1989 से आयोजित किया जा रहा है, जिन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना की थी। इनकी डेथ एड्स की वजह से हुई थी, और इन्होंने जितने भी रक्त से संबंधित संक्रामक रोग हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा काम किया था। ये कौन है? मनविंदर बिस्ला। ये डेथ है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। 8वें इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्स अभ्यास खंजर का शुभारंभ कहां हुआ? यानी कि भारत और किर्गिस्तान के स्पेशल फोर्स रॉयल डिसीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, और इस माना जाता है कि महारानी विक्टोरिया जो है इसकी वाहक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन हुआ था। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन हुआ। 8वें भारत किर्गिस संयुक्त विशेष बल खंजर का उद्घाटन किया गया, यानी खंजर किसके बीच में होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। हाल ही में चर्चा में रही बिली व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी आत्मकथा है? फटाफट करिए। अच्छा, वो तुमको अच्छा लगता है कि खराब लगता है, मेरे को ये बता दो बस। सुरेश रैना की, रामचंद गुहा की अभी एक बुक आई है कॉमनवेल्थ क्रिकेट। अरुंधति राय 1997 में इनको बुकर प्राइज मिला था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। कोई मुझसे कह रहा था ये बुक इंडिया में बैन है, आपको जानकारी है क्या? मैंने पढ़ी नहीं बुक। बुकर प्राइज मिला था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। एनी जैदी, 9 डॉट प्राइज मिला अभी हाल ही में, 9 डॉट प्राइज मिला किस बुक के लिए? ब्रेड सीमेंट एंड कैक्टस के लिए। याद रखिएगा, ठीक है, ये बुक का नाम जरूर याद रखिएगा। तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी है? सुरेश रैना की।
ये बताइए। नहीं वो नहीं देखा मैंने, ये क्या है, टीवीएफ एस्पिरेंट्स क्या है बताओ। मैं इन सब चीजों का बड़ा शौकीन हूं, मतलब मूवी वूवी का एटलीस्ट शौकीन हूं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अभी बताया, इकोनॉमिक अफेयर्स में किसको नियुक्त किया गया, अजय सेठ। सुरेश रैना का कोई मतलब नहीं है। सिद्धार्थ लॉन्ग जम्प जो है वो नाडा चले गए, नाडा के डायरेक्टर जनरल बनाए गए। सुशील चंद्रा अपने क्या हो गए, अपने वो हो गए चुनाव आयुक्त, हो गए मुख्य चुनाव। तो अजय सेठ को नियुक्त किया गया है क्योंकि तरुण बजाज जो है इससे पहले ये इकोनॉमिक अफेयर संभाल रहे थे, उनको वहां पर भेज दिया गया। ठीक है। हाल ही में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। विनेश फोगाट ने भी एक गोल्ड मेडल वहां पर जीता है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता, उन्होंने ताइपे के मेंग सुआन हसिंग को हराया था। 53 किलोग्राम में विनेश फोगाट ने, अंशु ने 57 किलोग्राम और दिव्या काकरन ने 72 किलोग्राम में ये जीता है, जबकि साक्षी मलिक ने 65 किलोग्राम में सिल्वर जीता था। कहां पर, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, ये कहां पे हो रही थी, कजाकिस्तान के अल्माटी में। यूपीएससी के लिए एकदम परफेक्ट है। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बना दिया है। मणिपुर की है ये वेट लिफ्टर, मणिपुर की वेट लिफ्टर है। भाई 200 लाइव तो करोगे कम से कम, नहीं करोगे, कर दो भाई। मणिपुर की है ये वेट लिफ्टर, मीराबाई चानू। तस्वीर दिखाओ, ये है मीराबाई चानू। कहां की है, मणिपुर की, मणिपुर से बिलोंग करती। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह। गवर्नर गणेशी लाल। राजधानी इम्फाल। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 17 अप्रैल को एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम का भार उठाकर बवाल काट दिया। हाल ही में किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आहा, लाइक नहीं कर रहे हो भैया, आप लोग भूल जाते हो, करते रहो थोड़ा थोड़ा सा। अरे मुझे मत लाइक करो, करेंट अफेयर तो लाइक कर सकते हो ना, मेहनत लगती है बनाने में, गर्मी भी बहुत है, देखो कितने कम लाइक हैं अभी, आज तो तुम लोग रुला लोगे मुझे। ओ सॉरी 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 सॉरी, मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है, सॉरी गणेशी लाल निकल गया मेरे मुंह से, गणेशी लाल नहीं है, नजमा हेपतुल्ला है, नजमा हेपतुल्ला। तो भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क जो है वो इटली ने लॉन्च किया है। इटली अपने यहाँ मेगा फूड पार्क लगा रहा है, जबकि भारत का जो पहला मेगा फूड पार्क था, भारत का जो पहला मेगा फूड पार्क था वो कहाँ लगाया गया था, 2012 में चित्तूर में। चित्तूर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। चित्तूर कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। हाँ गणेशी लाल उड़ीसा के, बढ़िया। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। स्टेट एग्जाम के लिए कम से कम पिछले 6 महीने का। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। वर्तमान में भारत में 38 हेरिटेज साइट हैं, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त। कितनी हेरिटेज साइट है, 38 हेरिटेज साइट है भारत में। कितनी यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, 38 यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर आप हेरिटेज साइट देखें तो वो आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी, 5 हेरिटेज साइट है। 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। इस बार इसका जो विषय रहा वो कॉम्प्लेक्स पॉट्स पास ड्राइवर्स फ्यूचर, कॉम्प्लेक्स पास ड्राइवर्स फ्यूचर, कॉम्प्लेक्स पास ड्राइवर्स फ्यूचर। बयालीस रामसर साइट है, ये भी एकदम करेक्ट है। एडोब के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर का अभी हाल ही में निधन हो गया। पीडीएफ यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एक ऐसा फॉर्मेट जिसको आप किसी भी कंप्यूटर में खोलेंगे वो एकदम सही से खुलेगा, मतलब जैसा आपने बनाया होगा वैसे ही खुलेगा। बाकी आप वर्ड की फाइल खोलो तो यहां पर कुछ होता है, वहां पर कुछ हो जाएगा। चार्ल्स गेस्के, उनका नाम क्या था, चार्ल्स गेस्के। ग्राफिक्स एंड पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के सह संस्थापक के रूप में जाने वाले चार्ल्स गेस्के का भी हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने जॉन वर्नॉक के साथ 1982 में इस कंपनी की स्थापना की थी। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी आई है।
इस बार हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 84 आई है। जनवरी में भी जारी हुआ था, फिर जारी हो गया है 84। अभी आप 58 देशों में बिना वीजा के एंट्री पा सकते हैं, 58 देशों में बिना वीजा के एंट्री पा सकते हैं। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो जापान का है अकॉर्डिंग टू हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। सबसे खराब पासपोर्ट अफगानिस्तान का है जो कि सबसे नीचे है। हाल ही में मोंटे कार्लो 2021 जो कि टेनिस से जुड़ा हुआ एक टूर्नामेंट है, इसका खिताब किसने जीता है? मोंटे कार्लो खिताब जीता है स्टेफानोस सित्सिपास ने। ग्रीक प्लेयर हैं जिन्होंने ये खिताब जीत लिया है। स्टेफानोस सित्सिपास ने अपनी एटीपी मास्टर्स 1000 श्रृंखला जीती है और ग्रीक स्टार ने इस स्तर पर पिछले दो फाइनल हार गए थे, टोरंटो में राफेल नडाल और मेडविन नोवाक जोकोविच ने उन्हें हराया था। तो इस बार मोंटे कार्लो का खिताब किसने जीता है? स्टेफानोस सित्सिपास। वित्तीय फर्मों के लिए दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून किस देश ने बनाया है? हाँ जी, वित्तीय फर्मों के लिए, यानी कि आप अपना पैसा तो दे रहे हो, मतलब फाइनेंस कंपनियां होती है ना, पैसा दे रहे हो, लेकिन उससे पैसा कहां जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं उस पैसे से कोई कंपनी ऐसा काम करेगी जिससे जलवायु को नुकसान होगा? तो ऐसा कानून बनाने वाला पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की मुख्य प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डन। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डन। और कोविड 19 से पूरी तरह से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो न्यूजीलैंड। सीजीएल के लिए आपको पिछले 6 महीने का पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा शेयर करते हैं वीडियो को। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कितना रैंकिंग आया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142 आया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अच्छा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बता सकते हैं? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कहां से हट जाऊं भाई मेरे सामने से ही हट जाऊं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 86 है, याद रखिएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 86 है। हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 94 है। कितनी रैंकिंग है? 94। 142वें नंबर पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने यह सूचकांक जारी किया है। नॉर्वे सूचकांक में सबसे पहले नंबर पर है क्योंकि वहां पर प्रेस को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। सर, भारत कब तक कोविड 19 मुक्त हो सकता है? अभी तो ये पकड़ रहा है। कोविड 19 मुक्त होने के लिए जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाता तब तक कोविड 19 से मुक्त होने का चांसेस कम है। और दूसरा, कोविड 19 को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है मुझे नहीं लगता कि साल भर लग जाएगा इसमें। क्रिसमस पिक नामक प्रसिद्ध लेखकों में से किसकी नई पुस्तक है? जेके राउलिंग। हैरी पॉटर देखिए, पढ़ी है, उनकी द्वारा लिखी गई, जेके राउलिंग। में अब मैं हट जाता हूं, सीजीएल फंस गया। इस शरद ऋतु में जेके राउलिंग की एक नई किताब आने वाली है, उसका नाम होगा द क्रिसमस पिक, हैरी पॉटर के बाद। राहुल कास्त्रो के इस्तीफे के बाद क्यूबा के नए प्रधानमंत्री, नए राष्ट्रपति कौन होंगे? भाई बड़ा समय बाद वहां पर आखिरकार क्यूबा में कास्त्रो का युग समाप्त हुआ। पहले उनके भाई फिदेल कास्त्रो, फिर राहुल कास्त्रो थे, तो अब फिलहाल समाप्त हो गया। मिगेल डियाज कैनल। राहुल कास्त्रो, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। मुद्रा यहां पे डॉलर ही चलती है क्योंकि अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो राहुल कास्त्रो के इस्तीफा देने के बाद मिगेल मारियो डियाज कैनल जो है वो नए आपके यानी कि सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? माउंट अन्नपूर्णा को काफी खतरनाक माना जाता है, 8091 मीटर ऊंची चोटी है जो आपके नेपाल में है। अभी हाल ही में इसको चढ़ गई आरोही पंडित एक सिंगल एयरक्राफ्ट से अटलांटिक को पार करने वाली, सिंगल एयरक्राफ्ट से अटलांटिक को पार करने वाली पहली महिला। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले पुरुष। प्रियंका मोहिते, इधर राइट आंसर, प्रियंका मोहिते जो है जिन्होंने इसको पार किया है, अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ी है। और ये बायोकॉन की कर्मी है, यानी बायोकॉन, किरण मजूमदार शाह का नाम सुना होगा, उसी की कंपनी में काम करती है। प्रियंका मोहिते इधर राइट आंसर, महाराष्ट्र की रहने वाली है, अन्नपूर्णा चोटी पार की। आप बता सकते हैं कि एवरेस्ट पर चलने वाली पहली महिला कौन थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको ताबेई।
जुंको ताबेई ये पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था 1975 में। और फिर उसके बाद बचेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है, 1984 में बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह किया था। बचेंद्री पाल सर जोक सुनाओ। अच्छा जोक सुनाने आया हूं मैं यहां पर। विराट चंद्र जो है इसने अभी हाल ही में तंजानिया यानी दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो फतेह किया था। ये बालक जो है ये आपका आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। जुंको ताबेई जापान की थी। शेयर करते रहो दम लगा के एक बार कस के, और प्यार से बोलो सरस्वती मैया की जय। बोर हो गए? मैं पढ़ाने में बोर नहीं हुआ, आप पढ़ने में बोर हो गए, समझिए क्या हालचाल है। मातृ पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही है रीस्टोर अवर हेल्थ अवर अर्थ। क्या हो गया यार, रीस्टोर अवर अर्थ। गर्मी बहुत ज्यादा है आज। रीस्टोर अवर अर्थ सीजीएल 2020 होगा भाई, क्यों नहीं होगा। और तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा। पृथ्वी दिवस अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे 22 अप्रैल कहते हैं। सर रूम टूर कराइए। अच्छा इसके अलावा 22 अप्रैल को एक और डे मनाया गया, क्योंकि अप्रैल के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन में महिलाओं की जो उपस्थिति है उसको बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इस बार मनाया गया है वैसे ही अप्रैल के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। वनक्कम। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? यहां वर्षा हो रही है, क्या बात है, मजा ही आ गए हो गए यार, बहुत गर्म है यार। चलो आप ये क्वेश्चन का आंसर करो, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण करता हूं। कोई बफरिंग नहीं हो रहा, एकदम चकाचक चल रहा है। हाँ यार ये तो लग रहा है, हर कोई मरता ही चला जा रहा है, इधर मर रहे हैं उधर मर रहे हैं लोग। वेरी गुड, आप सभी के उत्तर लगभग सही हैं। अर्जुन कल्याण तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं। अच्छा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए हेड कौन है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए हेड हैं संजय कपूर। कौन है? संजय कपूर। लियोन मेंडेका 67 नंबर का है, ये गोवा से है। लियोन मेंडेका जो है वो 67 के नंबर पे। ये हैं अर्जुन कल्याण। पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। तो तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण। हाल ही में चाड गणराज्य के राष्ट्रपति का निधन हो गया। निधन क्या हो गया? मारे गए, बहुत हिंसा हो गई थी चुनावों के दौरान। इनका नाम क्या है? इनका नाम है इड्रिस डीबी इटनो। जॉन मैगुफुली जो है ये तंजानिया के राष्ट्रपति हैं थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। फिर यहां पर सामिया सुलु अंसारी, ये नाम बहुत याद रखना दोस्त, सामिया सुलु अंसारी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीकन कंट्री में किसी महिला का राष्ट्रपति बनना अपने आप में बड़ी बात होती है। सामिया सुलु अंसारी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इद्रिस डीबी इटनो को अभी हाल ही में वहां चुनाव के दौरान हिंसा भड़क गई थी जिसमें उनको बहुत चोटें आईं और इस वजह से उनका निधन हो गया था। चाड की राजधानी बता सकते हो? चाड की राजधानी, चाड की राजधानी है जमाना, लेकिन लिखी जाती है एनडी जमाना, एनडी जमाना। हाल ही में आईसीसी ने यूएई के किस क्रिकेट कादिर खान पर भ्रष्टाचार के चलते कितने साल का प्रतिबंध लगाया? अभी नुवान जोसा पे भी लगाया है 6 साल का। ठीक है कोई नहीं, बढ़िया, आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो। 6 साल का प्रतिबंध लगा है इनके ऊपर। कितने साल का प्रतिबंध लगाया? 6 साल का, नहीं नहीं 5 साल का इसके ऊपर लगा। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कितने साल का प्रतिबंध लगा है, कंफ्यूज हुआ मैं। 5 साल का प्रतिबंध इसके ऊपर लगा है, 6 साल का नुवान जोसा के ऊपर लगा। इसके अलावा मेहरदीप छायाकर भी एक प्लेयर है यूएई के, उनके ऊपर भी बैठर उनके ऊपर भी बैठ गया मामला। भाई क्यों नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे चुना गया है? एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, तस्वीर देखोगे, ये देखो ये है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। भारत में अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी बोला जाता है, और भारतीय संविधान में यह आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया। वर्तमान समय में आपके के वेणुगोपाल जो हैं वो 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। के वेणुगोपाल
राव, इनको एक साल का विस्तार मिला हुआ है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। तुषार मेहता जो है ये सॉलिसिटर जनरल है। वनिता गुप्ता जो है इनको एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। लिगिया नोरोना जो है इनको यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटरेस जो है उनका सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया गया। प्रीति सिन्हा जो है यूएन सीडीएफ यानी कि यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड यानी कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास सूचकांक पूंजी विकास कोष की हेड बनाई गई। मैरी कॉम को अभी ऑल इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन का एसोसिएशन का चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी का हेड बनाया गया। चैंपियन एंड वेटरन कमेटी का हेड बनाया गया, ठीक है। नॉस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये प्रश्न जरूर बता देना। थोड़ा कस के और लाइक करो दम लगा के। अरे कानपुर में अभी वैक्सीन नहीं मिल रहा भाई। नॉस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रेखा मेनन को। रेखा मेनन जो है ये एसेंचर से आती हैं, इनको नॉस्कॉम का हेड बनाया गया है। नॉस्कॉम क्या है, ये जो भी आपकी प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनको मिला करके एक संगठन बनाया गया। एक संगठन को नंदन नीलकेणी ने बनाया था। ये प्रवीण राव का स्थान लेंगी, यूबी प्रवीण राव का स्थान लेंगी। 21 अप्रैल को राफेल लड़ाकू विमान का पांचवां जत्था फ्रांस से भारत आया। यह विमान किस कंपनी द्वारा निर्मित है, तो दसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है, ठीक है याद रखिएगा। और राफेल डिफेंस सिस्टम जो है ये इजराइल की कंपनी है, दसाल्ट एविएशन ने इसका नाम राफेल रख दिया। अब भारत में इस बार कितने राफेल आए थे, 4 राफेल और आए थे, तो टोटल भारत में अब कितने राफेल हो चुके हैं, 15 राफेल जो है वो भारत को मिल चुके हैं। ठीक है, अगला WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है। भारत कौन से पोजीशन पे है, 87 नंबर पर है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। इस सूची में पहले नंबर पर कौन है, स्वीडन। 115 देशों पर यह अध्ययन किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेड कौन है, क्लास स्वाब। नासा के पर्सिवर रोवर ने किस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में बदल दिया, तो ये कहां पे हुआ, मार्स में यानी मंगल में। कौन सा ऑपरेटर ने ये किया है, मॉक्सी। मॉक्सी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मार्स ऑक्सीजन इन सिटू, मार्स ऑक्सीजन इन सिटू यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मॉक्सी ऑपरेटर है, ध्यान रखिएगा मार्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया। HDFC का मोटो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपका दुनिया समझते हैं। अच्छा, HDFC के वर्तमान समय में जो हेड हैं वो शशिधर जगदीशन हैं। CEO और MD जो हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। कौन है, शशिधर जगदीशन। अतानु चक्रवर्ती को अभी हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है, अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, अतानु चक्रवर्ती। एनवी रमन्ना आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, GC मुर्मू आपके कैग हो गए। देश में हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, देश में हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, ठीक है। हाँ बढ़िया, एकदम बढ़िया। आशुतोष कुमार आप बताइए, PS ठाकुर, आदर्श सावंत, बढ़िया। SBI के कौन है, दिनेश खारा, क्या बात है सौरभ। 24 अप्रैल को हर साल हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन जो है वो लागू हो गया था। लेकिन सबसे पहले पंचायत राज आपको कहां दिखी थी, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत राज वहीं बनाई गई थी।
शेयर कर देना भाइयों, कम हो रहे हो तुम लोग। डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार कब मिला, किसको दिया गया? विश्व मानवतावादी पुरस्कार, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। कोई कहीं जाएगा नहीं, दोबारा कभी करंट अफेयर पढ़ाऊंगा नहीं, फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा मैं। हाँ, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है रोमाना सिन्हा सिंगल। रोमाना सिन्हा सिंगल सेरेन डीप्टी नाम से एक संस्था चलाती हैं, एक कंपनी चलाती हैं, जिसमें जो रिसाइकलेबल नॉन रिसाइकलेबल प्रोडक्ट होते हैं उनसे घर को सजाने लायक उपकरण बनाए जाते हैं। तो इनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया गया। नेल्सन मंडेला आप सभी जानते हैं, इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं नेल्सन मंडेला को किस वर्ष नोबल पीस प्राइज प्राप्त हुआ था? नोबल शांति पुरस्कार नेल्सन मंडेला को कब प्राप्त हुआ था और भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न कब दिया था? जी हाँ, इन्हें भारत रत्न भी मिला। भारत रत्न इन्हें मिला था 1990 में और 1993 में इन्हें नोबल पीस प्राइज मिला था। नोबल पीस प्राइज सेरेन डीप्टी नोबल पीस प्राइज मिला था, कब मिला था? 1993 में। हाल ही में किस जलवायु कार्यकर्ता लेखक ने ई पुस्तक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल लॉन्च की है? तो ये है आकाश रानीशन। समीर सोनी की एक पुस्तक अभी चर्चा में थी, माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। वही हीरो है, मतलब बागवान में ये अपने पिताजी को घर से निकाल देते हैं, समीर सोनी जी, माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? 6000 रन बना लिए इस बल्लेबाज ने। आज की डेट में एक ही खिलाड़ी है ज्यादा रन बना रहा है, वो है विराट कोहली। विराट कोहली जो है आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं और 14वां आईपीएल सीजन जो है वो आपका अभी हाल फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी के बचे मैच हो सकता है इंग्लैंड में हो। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2020-21 में इसका विषय क्या रहा? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये विषय रहा कंज्यूमर राइट डे का। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट डे, ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। द क्लॉक इज टिकिंग, ये है वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ये 25 अप्रैल को। और इंड इनइक्वालिटीज 1 मार्च को मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं, उसके खिलाफ ये दिन मनाया जाता है। तो इंड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इस बार इसकी जो थीम रही, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, भारत सरकार चाहती है कि 2027 तक मलेरिया समाप्त हो जाए और 2025 तक जो है वो टीबी समाप्त हो जाए, यानी कि टीबी को खत्म करने का जो टारगेट है वो 2025 तक है। अभी हाल ही में WHO ने आपका मालदीव और श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। देश में 2015 की तुलना में काफी कमी देखी गई है मलेरिया में। विश्व प्रतिरक्षण यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को यह मनाया गया है। 24 से 30 अप्रैल के दौरान कब मनाया गया? 24 से 30 अप्रैल के दौरान आपका वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया गया है और इसकी थीम रही है टीके हमें करीब लाते हैं। वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर, वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, ठीक है, ओके। क्या हो गया संदीप गोयल जी, आपको कोई परेशानी है बता सकते हैं आप मुझे। भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में अभी हाल ही में एक समुद्री अभ्यास हुआ 25 से 27 अप्रैल के बीच अरब सागर में, उसका नाम क्या है? लास्ट वीक और अप्रैल कैन बी से दैट, थोड़े से लाइक और कर देंगे तो 1000 लाइक के करीब हम पहुंच जाएंगे। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया है, जिन बहनों ने लाइक नहीं किया है, जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया है, उन सभी से निवेदन है कि भैया लाइक कर दें। और सभी लोग अगर रहें, जी हाँ, मंथली वीडियोज अवेलेबल हैं, सारे अवेलेबल हैं। ये एक्सरसाइज है वरुण एक्सरसाइज। मालाबार तो क्वाड देशों के बीच में हो गया, श्रीलंका भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो देन द राइट आंसर इज वरुण अभ्यास जो है ये 25 से 27 अप्रैल के बीच में आयोजित हुआ भारत और फ्रांस के बीच में। देश में हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे
हर साल 26 अप्रैल को मनाते हैं। हर साल कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अभी मैंने इसका इंडेक्स भी आपसे पूछा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, 40। इसमें टॉप पर कौन है? यूएस। इंडेक्स में टॉप पर कौन है? यूएस। इसके अलावा 26 अप्रैल को एक और चीज हुई थी, कोई बता सकता है 26 अप्रैल को और क्या हुआ था? एक बेहद खराब त्रासदी हुई थी 26 अप्रैल को 1986 में यूक्रेन में, चेर्नोबिल एक्सीडेंट प्रिपियात में। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो थीम रहेगा वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। चेर्नोबिल आपदा स्मृति दिवस भी जो है वो मनाया जाता है 1986 में। ऑस्कर के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में जीतने वाली दूसरी महिला और पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? उनका नाम है छोले खाओ, मतलब कोल झाओ। नो मैड लैंड के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है और पूरा ऑस्कर, ये 93 नंबर का ऑस्कर था। ऑस्कर की जो शुरुआत है वो 16 मई 1929 को की हुई थी, जिन्हें एकेडमी अवार्ड्स के रूप में भी जाना जाता है। इस बार बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड गया है नो मैड लैंड को गया। बाफ्टा और ऑस्कर एकदम सेम थे। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल गया है द फादर के लिए एंथोनी हॉपकिंस को। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल गया है फ्रैंकिस मैकडॉरमैंड को नो मैड लैंड के लिए। और डायरेक्टर का गया है नो मैड लैंड के लिए कोल झाओ को। हाल ही में परियोजना दंतक ने कहां पर अपनी डायमंड जुबली यानी कि 60 साल पूरे किए? तो ये परियोजना बीआरओ द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसके वर्तमान समय में हेड कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो हैं वो आपके बीआरओ के वर्तमान समय में हेड है। किसके हेड है? बीआरओ के हेड कौन है? राजीव चौधरी जी। पता नहीं क्या खास होता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले पैरासाइट देखी जिसको पिछले साल ऑस्कर मिला था, मुझे एकदम बकवास मूवी लगी। लगान मुझे उससे कहीं ज्यादा अच्छी लगी थी। पता नहीं ऑस्कर मूवी में क्या होता है। इससे कुछ दिन पहले भी मैंने एक ऑस्कर मूवी देखी थी। या हो सकता है ऑस्कर का जो माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट बहुत छोटा है, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता हूं जो वो लोग देखते हैं, लेकिन भाई साहब एंटरटेनमेंट के नाम पे तो एकदम कुछ नहीं होता मूवी में। भूटान की राजधानी क्या है? रुचिरा कंबोज जो है एम्बेसडर है, क्या बात है, हम ही से पढ़ोगे, हम ही को बताओगे, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये परियोजना 1961 में शुरू की गई थी और मेन काम था कि जो भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है भूटान में उसको डेवलप किया जाता है। क्या आपको पता है भूटान की आज भी कोई वायुसेना नहीं है, इवन नौसेना भी नहीं है। नौसेना की वैसे उसे जरूरत नहीं क्योंकि समुद्र नहीं है उसके पास, लेकिन आज भी कोई उसके पास वायुसेना नहीं है। भारत की वायुसेना से काम चलता है उनका। ओमरेटा ये भी बेकार है। हाल ही में 68वां बार्सिलोना ओपन 2021 खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने यह पुरस्कार जीता था, मतलब ये खिताब जीता था। राफेल नडाल ने स्टेफानोस सित्सिपास को 12वां बार्सिलोना खिताब हरा करके जीत लिया था। ये उनके कैरियर का 87वां खिताब है और अभी तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम रोजर फेडरर और राफेल नडाल ने ही जीते। भूटान की राजधानी थिम्पू है, पीएम लोटस शेयरिंग है, नेशनल गेम तीरंदाजी है, क्या बात है। मई में मार्स ग्रह पर लैंडिंग के प्रयास से पहले चीन ने अपने मंगल रोवर को क्या नाम दिया? और इसका एक रॉकेट पगलाया घूम रहा है ना अंतरिक्ष में, कभी भी गिर सकता है, कह रहा है कि कुछ होगा नहीं ऊपर ही जल जाएगा, लेकिन भाई 21 टन वजन का रॉकेट है, कहीं पर भी गिर सकता है और न्यूयॉर्क जैसे शहर के गिरने की। तो जुरोंग जो है इन्होंने अपने रोवर का नाम दिया है। राशिद जो है ये यूएई का रोवर है जो 2022 में लॉन्च करेंगे वो। राशिद जो है यूएई का रोवर है, प्रज्ञान हमारा रोवर था और परसेवरेंस जो है ये नासा का रोवर है। बस खत्म ही हो रहा है, हम लोग आ गए हैं 27-28 तारीख के आसपास है, मतलब 30 अप्रैल तक ही कराना है मुझे। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तस्वीर आप देख लीजिए, ये हैं राजेश बिंदल, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। संजय यादव इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। कहाँ है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। अरुण कुमार गोस्वामी अरुणाचल प्रदेश में। सुधांशु धूलिया गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। याद रखिएगा हिमा कोहली का नाम, याद रखिएगा, मैं फिर से आपको याद दे रहा हूँ, दिला रहा हूँ,
हिमा कोहली जो हैं ये अभी हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय में पहली महिला के रूप में नियुक्त हुई। गिर गया मालदीव के पास, गिर गया पता ही नहीं चला मुझे कब गिर गया। सत्ताईस अप्रैल को किस देश की कैबिनेट ने फेस कवरिंग यानी बुरके पर प्रतिबंध लगा दिया? दो साल पहले वहां पर आतंकवादी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से श्रीलंका ने बुरके को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। बुरके को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है श्रीलंका सरकार ने। ओके ओके मालदीव के पास गिर गया, अभी मैं देखूंगा जाके। हाँ धीरू भाई नरन भाई पटेल जो है वो नई दिल्ली के, बस थोड़ा सा और लाइक कर देंगे तो मजा आ जाएगा। BEML के अध्यक्ष यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? देखो भैया तानु चक्रवर्ती तो किधर निकल लिए, HDFC, रेखा मैडम नासकॉम, लॉन्ग जाम अपना नाडा निकल लिए, नाडा के डायरेक्टर जनरल, बचे कौन अमित बनर्जी। तो अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, MD बनाए गए। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं अमित बनर्जी। द लिविंग माउंटेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन आउट हो गया है, यह पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ घोष, द लिविंग माउंटेन। ठीक है, लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई? अमिताभ घोष द्वारा। अमिताभ घोष को 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया, नहीं 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया? अकितम अच्युतन नंबूदरी को। 56वें को लेकर अभी भी मैं कंफ्यूज हूं, उसको बारे में बाद में बात करेंगे। वियर अबाउट शीर्षक से अपना नया उपन्यास किसने लॉन्च किया है? इनको देखिए, ये है झुंपा लाहिड़ी। झुंपा लाहिड़ी द नेम सेक के लिए जानी जाती है, द नेम सेक के लिए ये जानी जाती है। और इन्होंने अभी हाल ही में एक अपना नया उपन्यास लॉन्च किया था वियर अबाउट्स। ठीक है, ट्विटर कैंपेन पे बिल्कुल उठाएंगे भाई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा जारी किए गए इस बार के आंकड़ों के मुताबिक भारत कौन से नंबर का सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है? सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है भारत, तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है। पहले नंबर पर आपका US है, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर आपका चाइना है और तीसरे नंबर पर भारत है, फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना है? इस बार भारत की रैंकिंग 49 आई है, यानी कि गुड गवर्नमेंट इंडेक्स के मुताबिक देखा जाए तो भारत की रैंकिंग 49 है, जबकि पहले नंबर पर आपका फिनलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड है। ये रैंकिंग जारी की गई है, इसमें पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 49, याद रखिएगा। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? भाई अंजलि भारद्वाज को तो US एंटी करप्शन अवार्ड मिला, कॉनरी ओम्पी को ISWOTY यानी कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, अंजू बाबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला BBC द्वारा। बची है कृति करण था, इनको हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है। ये बेंगलोर की सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक है। इनको पहली बात की कोई पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला के रूप में चुना है जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के रूप में दिया गया। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, बिल्कुल सही है। हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी। तरुण बजाज रिवेन्यू सेक्रेटरी, हर्षवर्धन संगला फॉरेन सेक्रेटरी, राजीव गौबा याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कैबिनेट सेक्रेटरी, अजय कुमार भल्ला होम सेक्रेटरी। तो ये हैं रिवेन्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं टीवी सोमनाथन जो हैं वो नए फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं, याद रखिएगा। अपोलो 11 के किस अंतरिक्ष यात्री का भी हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम था माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस जो हैं नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे, पर माइकल कॉलिंस जो हैं ये 16 जुलाई को जो मिशन लॉन्च हुआ था ये 20 जुलाई को आपका चंद्रमा पे पहुंचा था। कब पहुंचा था? 20 जुलाई 1969 को।
और ये चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, उनको वापस लेकर आए थे। माइकल कॉलिंस का निधन हो गया, वह 90 वर्ष के थे। इनके ऊपर दो बुक लिखी गई है, कैरिंग द फायर माइकल कॉलिंस की और फ्लाइंग टू द मून, याद रखिएगा माइकल कॉलिंस की बुक है। जी सी मुर्मू बिल्कुल सही बात है, आपके 14वें कैग है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त की गई है विमला कपूर। किनको नियुक्त किया गया है? विमला कपूर को। धीरूभाई नरन भाई पटेल आपके दिल्ली के हो गए, दिल्ली हाईकोर्ट के। राजेश बिंदल आपके कलकत्ता हाईकोर्ट के हो गए। पंकज मित्तल आपके जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के हो गए। गीता मित्तल जो है वहां से रिटायर हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि फेक है अपोलो मिशन, मैं भी मानता हूं कि हाँ थोड़ा थोड़ा फेक लगता है मुझे, क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी उस तरह की टेक्नोलॉजी उस टाइम उत्पन्न करना बड़ी मुश्किल बात है। 27 अप्रैल को आईआईटी मद्रास में देश के पहले 3D मुद्रित घर का उद्घाटन किसने किया? पहला 3D मुद्रित घर यानी कि 3D प्रिंटेड हाउस, ये आईआईटी मद्रास में डेवलप किया गया है। तीवास्त नाम का एक एनजीओ है उसने डेवलप किया है और ये निर्मला सीतारमण जी ने इसका उद्घाटन किया था 27 अप्रैल को। ठीक है तो दोस्तों ये थे आज के अप्रैल के हमारे करंट अफेयर्स, और उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था वो मैंने पूरा का पूरा आपको रिवाइज करा दिया है। आपको इसके अलावा और किसी ज्यादा न्यूज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इसी को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिलेगा। रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आप उसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां पर कोई भी चीट डालेंगे तो मैं अक्सर वहां पर आता रहता हूँ, बातचीत करता हूँ बच्चों से, मतलब जो भी वहां पर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई और फरमाइश है रीजनिंग को लेकर या करंट अफेयर्स को लेकर के वीडियो के कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। हाल फिलहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी रीजनिंग की थोड़ी सी बड़ी बड़ी क्लासेस ले आऊँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। हिम्मत मेरी इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि आजकल का जो माहौल है वो पढ़ाई वाला नहीं है, जैसे कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जैसे मेरे अब जब से ये लॉकडाउन लगा है मैं कम से कम अपने 5 ऐसे जानने वालों को खो चुका हूँ जिनसे मैं अपने जीवन में काफ़ी घनिष्ठ संबंध रखता था। तो कहीं ना कहीं हर दिन मूड ऑफ हो जाता है, हर दिन एनर्जी डाउन हो जाती है, मन नहीं करता है कुछ करने का, लगता है जैसे जीवन खत्म होने वाला है। लेकिन यकीन मानिए कि हर रात को आपको ऐसा लगेगा कि अब शायद कभी सुबह नहीं होगी, लेकिन सुबह ज़रूर होगी। और हम सबको बस मजबूत बने रहना। इस समय अगर हमें कोई चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है, कोई चीज़ जो हमें अच्छे तरीके से बना सकती है, वो है अपने लक्ष्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखें। आपको जीवन में जो अचीव करना है उसके लिए ये सबसे बेटर समय है। आप शांतपूर्वक चीज़ों को निगेटिविटी से बाहर आइए, क्योंकि जो होना है दोस्त वो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। ट्विटर कैंपेन के बारे में बोलो, ट्विटर कैंपेन क्या है, आप इसके बारे में मुझे थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो मैं ज़्यादा समझ पाऊंगा। मैं थोड़ा सा टच में नहीं हूँ इन चीज़ों के, मैं आजकल कभी अस्पताल कभी अभी तो एक महीने मैं खुद ही अस्पताल भागता रहा, तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं। बहुत सारी कोई ना कोई बीमार बना रहता है, किसी को अस्पताल लेके जाओ, फिर उसके लिए जुगाड़ करो, फिर ज़्यादा लोग जानते हैं तो ज़्यादा लोग मदद के लिए भी बोलते हैं, तो उनके लिए भी मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो उनके लिए भी थोड़े जुगाड़ करने पड़ जाते हैं। मतलब जुगाड़ ही कर सकते हैं, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर का, कभी इंजेक्शन का, कभी कुछ का, कभी हॉस्पिटल में बेड का, तो यही सही चल रहा है, यही सब चल रहा है आजकल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप परेशान ना होइए। तो हाँ मेरा कोरोना ठीक हो गया, मेरा रिपोर्ट निगेटिव आ गया, मुझे भी कोरोना हुआ था एक्चुअल में। चुनाव ड्यूटी जब मैं करके आया था उसके तुरंत बाद ही मेरे गले में खराश हुई, फिर मेरे टेस्ट चले गए, फिर एक दिन बुखार आया, तो मैंने किसी भी दिन बुखार को अपने ऊपर आने नहीं दिया। मतलब कि हर 2-3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद ऑलमोस्ट मैं पैरासीटामोल एक ले लेता था निमोसलाइड के साथ, उससे मुझे काफ़ी आराम रहा। 15 दिन मुझे लगे मेरा टेस्ट एंड मेरा स्मेल वापस आने में। स्मेल अभी उतना पूरी तरह से वापस नहीं आया, लेकिन अगर मैं पास से कोई चीज़ स्मेल करता हूँ तो मुझे आ गया। मैं आप सभी को सलाह देना चाहूँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से किसी और को ना हो, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी और को होगा तो सफाई वगैरह पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक चीज़ जो मैंने अपनाई है अपने ऊपर वो यही था कि मैंने अन्न खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि जिस दिन मैं खाना खा रहा था उस दिन मैं ज़्यादा बीमार फील कर रहा था। आपने देखा मैंने एक भी दिन क्लास नहीं छोड़ी है, मैंने ऑलमोस्ट हर दिन क्लास ली है, हर दिन ड्यूटी भी की है, हर दिन सारी चीज़ें की हैं, चाहे वो पेट बैच रहा हो चाहे वो कुछ भी रहा हो, मैंने सभी टाइम कुछ अपने अपने आप को मेंटेन रखा है। तो मेरे शरीर में कमजोरी आई, कमजोरी इस तरह की आई कि बीच बीच में चक्कर भी आने लगे, तो सबसे बढ़िया फल पे जीवित रहिए, खीरा ककड़ी इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर रहिए, इनसे आपको बहुत आराम मिलेगा अगर किसी के साथ ये है। हाँ एसिम्प्टोटिक भी हो सकता है, अगर किसी को स्मेल नहीं आ रही है तो भाई आप अपना टेस्ट जरूर कराएं। मैंने जब टेस्ट कराया था तो मैंने एंटीजन टेस्ट कराया था, मेरा एंटीजन टेस्ट ही पॉजिटिव आ गया था, मतलब उसमें 2 लाइनें आ गई थी,
तो फिर मुझे आरटीपीसीआर कराने की जरूरत नहीं हुई, मैं सीधे आया और घर पे क्वारंटाइन हो गया। क्वारंटाइन क्या, एक छोटे से कमरे में बंद हो गया, ठंडा पानी बिल्कुल बंद, फ्रिज का पानी बंद, एसी बिल्कुल बंद, ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी। सुबह आराम से सो ज़्यादा रहा था, नींद ज़्यादा आती है जब आप निमोसुलाइड वगैरह पैरासीटामोल लेते हो तो नींद ज़्यादा आती है, नींद बहुत आ रही थी तो सोता रहता था, मतलब पूरे टाइम सोया हूँ, जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इंप्रूव हुआ। और आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऐसा परेशान करेगा जैसे आपको डलनेस देगा, मतलब ये बुखार जैसा लगेगा बट बुखार नहीं आएगा, हल्का सा शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देगा, जुकाम जैसा फील होगा बट पूरी तरह से जुकाम नहीं लगेगा, बड़ा अजीबोगरीब फीलिंग है इसकी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने शरीर में एनर्जी बनाए रखें, एनर्जी मतलब कुछ लिक्विड लेते रहें, खाना पीना खाते रहें, खाना जिस दिन खा रहे थे रोटी वगैरह या चावल वगैरह ज़्यादा खा रहे थे, पेट भर खाना खा रहे थे, तो उस दिन दिक्कत ज़्यादा हुई है, जिस दिन नहीं खा रहे थे उस दिन ज़्यादा रिलैक्स था। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। शॉर्ट ब्रीथनेस है अगर आपको, तो एक मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो आप कर लो, शॉर्ट ब्रीथनेस बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, नीम का पेड़ है उसमें से दातून तोड़ लीजिए, सुबह सुबह उसके उठ के उसको दातून करिए, दातून बोला जाता है हमारे यहाँ, आप उससे ब्रश करिए एक तरह से। आपको शॉर्ट ब्रीथनेस अगर थोड़ी बहुत है तो वो आपका लेवल सही कर देगी। तुलसी की पत्ती खाइए, उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। जी जी, नंबर का पैटर्न बहुत परेशान करता है, बिल्कुल करवा दूंगा, आप परेशान मत होइए। आपकी जो भी फरमाइशें हैं, मतलब जो भी आपकी फरमाइशें हैं वो वहाँ पर लिख दीजिए और मैं जरूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय। नहीं, ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, और कल की सुबह नहीं देख पाएंगे तो क्या करना है यार, जितना देख लिया उतना बहुत है, ऐसे एटीट्यूड में रहो। जब कुछ अपने हाथ में होता नहीं है ना तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है, मस्त रहो, चिल रहो, जो है सो है, जो है सो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। बिल्कुल हम आंसर आपको देंगे अभिषेक, थैंक यू सो मच, आपने आंसर भेजे थे, बिल्कुल हम आपको सीट देते हैं। ठीक है, देखिए जिंक और विटामिन डी कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप विटामिन ज़्यादा लेते हैं तो शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है, जिससे आप जान नहीं पाते हैं कि कब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया। तो अगर आपको जिंक और विटामिन लेना ही है, इस तरीके की कोई चीज़ लेनी है, तो आप एक दो दिन ले लो, फिर उसके बाद आप जूस पर डिपेंड हो जाओ। आयरन आप डायरेक्ट अनार के जूस से ले सकते हो, मतलब मेरा कहने का मतलब है ज़्यादा ये सब चीज़ें मत खाएं, जितना दवाई अंदर जाएगा ना उतना ही नुकसान होगा। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम माई साइड लॉट्स ऑफ लव।